सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम लोग कवरअप करने वाले हैं फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और लेकर आया हूँ स्पेशली उन क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और डेफिनेटली यार आप लोग के एग्जाम में कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सीरीज आप लोग के लिए रहने वाली है, जहाँ पे मैं कवरअप करवाने वाला हूँ चैप्टर वाइज आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23-24 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग को प्यारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को यहाँ पे फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन कवर अप करवाता हूँ। तो जैसे मैंने आप लोग से कहा, ये जो स्पेसिफिक सीरीज है ये किसके लिए? ये उन लोगों के लिए है जिनको सच में यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत थी। अब देखो, ये मत सोचना कि जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यही आपके बोर्ड्स एग्जाम में आएंगे, नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। जो मैं क्वेश्चंस आप लोग को करवाने वाला हूँ, कुछ उस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोग को आ सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग की प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। तो फोकस करें प्रिपरेशन पे, ना कि यार इस पे कि यार भैया क्या ये 100% गारंटीड, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो वो आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है भाई। तो हम मैटर करते हैं किस चीज़ पे, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस कर सके हमारे प्रिपरेशन पे, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सके, इजी लेवल से लेकर कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोग को कवरअप करवाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज मेरी चल रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं एनसीईआरटी के एक एक तगड़े से तगड़े क्वेश्चंस को कवरअप करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज को आप लोग वहाँ से कवरअप कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर, आज जो हम लोग कवरअप करेंगे ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स 23-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। क्लियर भाई? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली यार हम लोग यहाँ पे आज न्यूमेरिकल्स को फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आप में से ना काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको न्यूमेरिकल बनते नहीं। और जैसे मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में सभी लोग के डेफिनेटली यही आ रहे हैं डाउट। हाँ जी बेशक, तो मैं वही आप लोग को कह रहा था कि यार न्यूमेरिकल्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशन करने की कोशिश करोगे न्यूमेरिकल में, उतना आप लोग मैं कह सकता हूँ अपने मार्क्स को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। अब न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कैसे करें, काफ़ी सारे लोग ना इसमें भी कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो न्यूमेरिकल में ना आप लोग को इतना लोड नहीं लेना है जितना आप लोग लेकर बैठते हो, समझ रहे हो कि नहीं? ये सच्चाई है। हम लोग क्या होता है ना, बहुत सोच लेते हैं कि न्यूमेरिकल एकदम नेक्स्ट लेवल के आने वाले हैं, क्या पता हमसे न्यूमेरिकल बन भी पाएंगे कि नहीं। हम लोग से गलतियाँ क्या होती है कि जो एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं लाइक एनसीईआरटी के या किसी भी बुक में या रेफरेंस बुक में, हमको इजी लगता है, हमें लगता है कि वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। याद रखना बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हमेशा एवरेज फॉर्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए, तो कभी भी ये ना सोचें कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा टफ या नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले, ऐसा कभी होगा नहीं और ना ही होने वाला है। तो इसमें आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आप लोग को सोचना नहीं है कि यार भैया क्या कैसे करेंगे क्या करेंगे। अरे भाई नॉर्मल लेवल के न्यूमेरिकल्स करो, डेफिनेटली अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरी चीज़, घर बैठे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उनसे स्टार्ट करना जो एग्जांपल वाले, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ से ना आप लोग को बेस बनना चालू होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है ना भाई। एकदम ज़्यादा टफ से टफ न्यूमेरिकल की तरफ मत जाना, बहुत रेयर रहेंगे कि जो बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और कोई तो ऐसे न्यूमेरिकल आते जो किसी से नहीं बन पाते यार भाई। अगर आप उनको लेकर बैठकर परेशान हो रहे हो कि यार भैया मैं तो उनको सोच कर बैठा था कि यार मेरे अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। आपको किस पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको फोकस करना है उन क्वेश्चंस पे जो एवरेज फॉर्म के न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे न्यूमेरिकल्स को फॉलोअप करते हुए कोशिश करेंगे, बिकॉज वही ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए आए हुए। तो एक बार मेरे एंड से नेटवर्क चेक कर लेता हूँ, किसी भी टाइप का कोई ग्लिचेस तो नहीं आ रहा है, और होप सो नहीं आ रहा होगा। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है, एक बार कोई बता दो भाई जल्दी जल्दी। आई होप तुम लोग को मेरी आवाज़ आ रही होंगी। आया ना, होप सो मेरी आवाज़ क्लियर है और किसी भी टाइप का कोई ग्लिचेस परेशानी प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लो भाई एक सेकंड, देख लो ज़रा, मैं अभी जल्दी से एक सेकंड ज़रा मैं कनेक्शन कर देता हूँ उसका। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार काम करते हैं फटाफट ना, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको क्वेश्चंस करने से पहले एक बार थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन कर लेंगे ना तो एक अच्छे तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस करने में भी, चीज़ें करने में भी, सब चीज़ों में मज़ा आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैं देखो ओवरव्यू करा दे रहा हूँ, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, सो दैट आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से बन सके, मेन मेरा मोटो ये है। तो जैसे सबसे पहला जो वर्डिंग निकल के आता है, अब जानते होंगे पूरे के पूरे चैप्टर की शुरुआत में, कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है।
तो अगर कोई भी तुमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो याद रखिएगा सीधी सिंपल बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे टाइप का फिनोमेना है जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर ये रहे कि हम लोग यहाँ पे जो चार्जेस रेस्ट पे उसके बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, चार्ज एट रेस्ट। तो एट द एंड हम लोग इसके बिहेवियर के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का काम इस स्पेसिफिक पूरे के पूरे फिनोमेना के अंदर करने वाले, मेनली तो यही रहता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर तुम लोगों ने एक वर्ड देखे, ये है चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है, तो कोई अगर तुमसे कहे तो याद रखना है एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती है, ये रहता है आप लोग का चार्ज। तो मेरे ख्याल से आप लोग को चार्ज समझ में आ गया होगा कि आखिर चार्ज क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होता है, क्या नहीं। एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। हाँ जी भाई, तो वही चीज़ हम लोग क्लियर कर रहे थे, चार्ज भी कितने टाइप के होते हैं भाई लोग। तो चार्ज होते हैं आप लोग के मेनली दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। याद रखना पॉजिटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये आउटवर्ड की तरफ बनाता है, नेगेटिव इनवर्ड की तरफ आप लोग को बनाते हुए देखने को मिलता है। याद रखिएगा जब भी हम लोग किसी भी लाइक चार्जेस को एक साथ रख दें या अनलाइक चार्जेस को एक साथ रख दें तो क्या होता है एट द एंड, यहाँ पे होता है रिपल्शन, ठीक है। और अगर मैं लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस को साथ में रख देता हूँ, मतलब देखो अनलाइक चार्जेस, सॉरी, ये तो आप लोग के लाइक चार्जेस हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस को जब तुम लोग साथ में रखोगे तो एट द एंड ये क्या करते, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते। तो मेनली इनका ये पूरा का पूरा फिनोमेना रहता है। इसके साथ साथ आप लोग को याद होगा इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो मास और चार्ज के बीच में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, चार्ज हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, लेकिन मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो चार्जेस आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो चार्जेस हैं वो हमेशा आप लोग को काय पे डिपेंड करते हैं, स्पीड पे डिपेंड करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्या मास करता है, हाँ जी भैया मास जो है ये स्पीड पे डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, है ना, और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, क्लियर है भाई लोग। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के आपके देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर है भाई। ये हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इनकी बेसिक बेसिक, इन चीज़ों के बारे में आप लोग को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आप लोग की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर भाई। इसके बाद निकल के आती बात प्रॉपर्टीज़ की, तो याद रखना मेनली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको काम आने वाली, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी डेफिनेटली काम आती ही आती है। तो कभी भी ये ना सोचना कि यार न्यूमेरिकल में क्या ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह काम आएगी, बेशक आएगी, आप लोग को प्रिपेयर रहना है पहले से। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, जब इनको आइसोलेट कर दिया जाए तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो अनचार्ज था वो भी चार्ज हो जाता है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे कितने चार्ज थे, लेट्स से फोर चार्जेस, यहाँ जीरो चार्जेस, यहाँ कितने हो गए टू, यहाँ कितने हो गए टू, टोटल चार्ज कितने हुए यहाँ फोर चार्ज, यहाँ कितने हुए फोर चार्ज। तो मुझे बताना जरा इनिशियल में चार्जेस क्या फाइनल के बराबर हुए, चार्जेस कंजर्व ही हुए ना, अरे बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कुछ नहीं बॉडी में। तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार आप लोगों को ना ये चीज़ें पूछी जाती है, तो आप लोग को ना इस चीज़ों में फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर भाई। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। अब ये जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है क्या कहती है, क्वांटाइजेशन ये कहता है कि जो चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, चार्जेस हमेशा इंटीजर्स में आपको रहेंगे, क्लियर भाई। मतलब क्या, एन की जो वैल्यू है वो कभी 2.8 नहीं रहेगी, क्लियर भाई, वो 2 रहेगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, इस तरीके से, क्लियर। तो चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस में देखने को मिलेंगे। और ई क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज वैल्यू पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल में काम ही काम आती है, हाँ या ना, आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो रहने वाली है आप लोग की एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी, एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। अब ये एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो ध्यान से समझना है, एडिक्टिविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि मान लो एक बॉडी है जिसके अंदर ढेर सारे चार्जेस, मान लो इस तरीके से चार्जेस, तो आपको क्या करना है, मेनली आपका नेट वैल्यू निकाल लेना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो जितने भी सिस्टम के अंदर चार्जेस हैं उन सबका आपको नेट सम कर देना है, वो आप लोग की एडिक्टिविटी की प्रॉपर्टी मेनली कहलाएगी, क्लियर है भाई लोग। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी से कई बार एग्जाम में काम आती है। इसके बाद याद रखना इंडक्शन वाला तुम्हारा टॉपिक है नहीं सिलेबस में। इसके बाद मोटे मोटे तौर पर आता है कूलॉम्स लॉ।
अब ये कुलॉम्स लॉ क्या होता है, तो याद रखना दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो लगता है, मान लो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, अब मान लो ये सेम टाइप के चार्ज है एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स कहलाता है यही कुलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है कि ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है भाई? तो बेसिकली कुलॉम्स भैया ये कहते हैं कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़े बड़े चार्ज तो बड़ा बड़ा फोर्स, छोटे छोटे चार्ज तो छोटा छोटा फोर्स। कुलॉम्स भी एक और चीज़ कहते हैं कि जो चार्जेस हैं उनकी डिस्टेंस पे भी फोर्स डिपेंड करता है। जितना चार्जेस दूर रहेंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगा, जितना करीब रहेंगे उतना ज़्यादा फोर्स आप लोग को देखने को मिलने वाला। तो ये चीज़ है जो आप लोग को इन चीज़ों को फोकस करते हुए चलना है, एट द एंड तुम्हारे काम आ सकती है। कुलॉम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में कई बार पूछा जाता है, तो एट द एंड ये एग्जाम मतलब देखो न्यूमेरिकल में तो नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर हमको फॉर्म बनाना है, चाहे 1-2 का फॉर्म बना लो तो ये बन जाएगा आप लोग का Q1 Q2 अपॉन मॉड 1-2 इस तरीके से का स्क्वायर की पावर 3 इंटू 1-2, तो ये बन गया इसके लिए। अगर मैं सेकेंड टू फर्स्ट के लिए बनाऊँ तो ये बन जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग को ना पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3 times है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग की कुलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म है, बहुत मुश्किल से न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, बट हाँ यार एटलीस्ट अब रिवाइज करा रहा हूँ तो बता देता हूँ, सोचा इसलिए मैंने आप लोग को समझा दिया। यहाँ तक ये क्लियर है सब चीज़ें। इसके बाद आता है सुपरपोजिशन, कि यार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर फोर्सेस के लिए निकालने की बात आई, मतलब क्या सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्ज है, सब चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स, तो नेट फोर्स निकाल दो, बस वो होता है सुपरपोजिशन, जो एग्जाम में आप लोग के पूछे जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर भाई लोग? इसके बाद अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो देखो भाई, हमने अभी कुलॉम्स लॉ देखे, वहाँ पे कुलॉम्स लॉ में के की जो वैल्यू थी वो थी 1/4 pi epsilon naught। अभी जो एप्साइलॉन होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं दोस्तों? परमिटिविटी। हाँ या ना, समझ में आया? ये क्या है? परमिटिविटी है और कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा परमिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा रहेगी तो दो चार्जेस के बीच के फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप लोग को कैसे देखेंगे, अफेक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले। ये चीज़ आप लोग को ख्याल रखनी है। क्लियर भाई लोग? इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स जो रहेगा वो कम हो जाएगा, परमिटिविटी अगर कम हो रही है तो फोर्स आप लोग को ज़्यादा देखते हुए मिलने वाला है। इन चीज़ों पर आप लोग को ख्याल इत्मीनान से रखना है। क्लियर है भाई लोग? इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या बला है भाई, ध्यान से देखना। रिलेटिव परमिटिविटी ये बताती है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज़्यादा है, कम है, 2 times है 3 times है, तो ये जो इसकी वैल्यू है ना ये है रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर भाई? तो न्यूमेरिकल में कभी कभार काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता देता हूँ। क्लियर भाई लोग? इसके बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हर चार्ज के अराउंड में एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो भी एक सिमेट्रिकल फॉर्म में बनती है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेगी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड अंदर की तरफ बनते हुए देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए और बेसिक सी बात है पता भी होगा। क्लियर है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, अब ये तो न्यूमेरिकल में नहीं आती बट हाँ एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जाती है, हमेशा सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा यार याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहती है वो परपेंडिकुलर रहती है किससे, चार्ज से। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में कई बार ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक निकल गया था वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये डाइपोल क्या चीज़ होता है भाई? डाइपोल का मतलब ये कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इनको सेपरेट कर दे अगर हम लोग एल एल डिस्टेंस से, तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वो क्या होता है, पी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आता ही आता है। कोई भी अगर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर है भाई? और अगर कोई पूछे आप लोगों से कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन का, तो ये अपोजिट होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा भाई इसी के अंदर ना दो डेरिवेशन हम लोग करते हैं, शायद तुमको याद भी होगा कि लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है भाई? ये नेगेटिव चार्ज है। एक काम करता हूँ उल्टा कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जैसे समझे उस तरीके से समझे तो ज़्यादा अच्छा है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर भाई?
और मैं इसके पी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर है, ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस, आपको पता करना है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आती है आप लोग की 1/4πε0 2π/x³। तो ये होता है आप लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वो भी एक्सियल के केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो चीज़ें बनेंगी डेफिनेटली, क्लियर है भाई लोग। तो ये हो गया आप लोग का एक्सियल का केस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इक्विटोरियल वाला भी एक और केस है, जिसमें क्या होता है बेसिकली, शायद आप लोग को याद होगा इससे पहले हम लोगों ने पढ़े हुए कि मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पी पॉइंट एकदम सेंट्रल, देख रहे हो एकदम बाइसेक्टर वाली पोजीशन, एकदम परपेंडिकुलर वाली पोजीशन पे अगर आप लोग को वैल्यू निकालना है तो वो कितनी निकल के आती थी, वो आती थी ई विच इज़ इक्वल टू 1/4πε0 p/x³। तो ये दो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं, तो हमको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट हम लोग चीज़ों को और ज़्यादा बेटर बना सके, क्लियर भाई। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको पता होना ज़रूरी है भाई, काम की चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या देखना है, लेट्स से हमें देखना है इसके बाद वाला टॉर्क वाला, कि लाइक ध्यान से मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ जी अब ध्यान से देख कि लाइक कितना, लेट्स से ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी भैया, तो बेशक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा। इसमें ध्यान देना, मान लो ये है आप लोग का डाइपोल, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा जीरो, एल एल। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, डाइपोल को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो आप जानते हो कि जो डाइपोल है वो रोटेट करने लग जाता है, टॉर्क जनरेट हो जाता है इसमें। कितना टॉर्क जनरेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है पी साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकलता है कि थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम रहेगी, मतलब मान लो 90 डिग्री है तो भैया उसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा, अगर मान लो 0 डिग्री है तो उसके लिए मिनिमम हो जाएगा, क्लियर भाई। इसी में ना एक कई बार है ना कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, जो अभी आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या है, अनस्टेबल का इक्विलिब्रियम का केस क्या है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये रहा आप लोग का, हाँ जी भाई ध्यान से देखना, तो ये रहा केस। अब इसमें मैंने मान लो ये रहा डायपोल को रख दिया इस तरीके से, तो ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में है डायपोल की डायरेक्शन के, हाँ जी भैया, पी यहाँ पे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बन रही है। अगर एकदम ही अपोजिट कर दूँ मैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखना पी का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, पैरेलल तो है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो याद रखना 0 डिग्री वाले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग को फोकस करते हुए चलना है सो दैट आप लोग एग्जामिनेशन में और अच्छे नंबर गेन कर सको, क्लियर है भाई। क्योंकि न्यूमेरिकल में ना कई चीज़ें ये सब आती भी है, जो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से काम की मैं उनको सिर्फ बताते हुए चल रहा हूँ, क्लियर भाई। फ्लक्स की बात करा जाए तो याद रखना गॉस लॉ से मिलाकर फ्लक्स का फॉर्मूला बन सकता है। गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी भी क्लोज सर्फेस के अंदर अगर चार्जेस प्रेजेंट है तो कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो मेनली ये रहा फाई विच इज़ इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलॉन नॉट, या मैं कह सकता हूँ ई डॉट डी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में काम आते हैं, इसी से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्लियर भाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोटे मोटे तौर पे तो भाई हाँ, तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल। फिर होता है आप लोग का सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है आप लोग का सिग्मा विच इज इक्वल टू क्यू बाय ए। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो कितना होता है रो विच इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली काम आ सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, बनेगा ही बनेगा ये तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है भाई। तो टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीज़ों के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखो गॉस लॉ की दो एप्लीकेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या हो गया है तीसरी एप्लीकेशन भी आ चुकी है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यहाँ पे पहली जो एप्लीकेशन है वो कहती है कि मान लो एक लीनियर वायर, इसमें ढेर सारे चार्जेस प्रेजेंट है, इसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसका गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म का आपको देखने को मिलता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कोई बात करता है कि यार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बनती है, तो देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तुमको आ सकती है, क्लियर भाई। इसके बाद अब मान लो एक शीट है, शीट में ढेर सारे चार्जेस हैं, इसके वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो याद रखना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनते हुए देखने को मिलने वाली है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको फोकस करते हुए चले, डेफिनेटली देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है भाई लोग। चलो अगली बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हो गई। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज थे। इसके अलावा यार स्फीयर वाले की बात पूछा जाए, तो स्फीयर में याद रखना ई की वैल्यू अंदर में तो जीरो होती है, हाँ है ना, क्योंकि चार्जेस जो है बाहर रिसाइड करने लग जाते हैं, आप लोग को याद होगा जब हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़े थे। तो चलो मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि ई की वैल्यू आउटसाइड में कितनी होगी ये बताओ। तो चलिए भाई, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, रिविजन होप्स आप लोग का हो गया। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। जी भाई सॉरी, तो मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ आ रही है, ग्लिचेस नहीं है, कुछ भी इश्यूज़ नहीं है, तो चलिए शुरू करें। तो सीरीज़ थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो अपना खाना पीना खा के बैठ जाना, क्योंकि भाई हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के दिन। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि जो सीरीज़ हम लोग कवरअप कर रहे हैं ये किसके लिए रहने वाली है, कि भैया अगर आप लोग को मान लो कवरअप करना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो यहाँ पर ये रहने वाले हैं। लेकिन याद रखना ये वो क्वेश्चन नहीं है जो सिर्फ बोर्ड्स में आ सकते भाई, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम में बेशक पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को फोकस करना है कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग का क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर है कि इज़ अ चार्ज ऑफ 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 कूलम इज पॉसिबल, क्या बताओ सर ये पॉसिबल है, कैसा हो सकता है, सोच के बताना। आप लोग को मैंने, अगर आप लोग को याद हो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ में भी आप लोग को चीज़ें कवरअप करवाया था कि चार्जेस हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बताना ज़रा। नहीं याद आ रहा है? अरे यार चार्ज की प्रॉपर्टी एक बार याद करना ज़रा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो बेशक कर पाओगे, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है। हाँ जी भाई, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, दी है आप लोग को इतनी, आप बोलोगे ठीक है भैया क्यू की वैल्यू हम लोग को गिवन है 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 कूलम, इज इट क्लियर, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर -19 कूलम, हाँ या ना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो है Q विच इज़ इक्वल टू Ne, हाँ है ना। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, याद आ रहा है Q बाय E वाले फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, मान लो ये रही मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये तो वैल्यूज़ कट जाएगी एक दूसरे से, और ये कट जाएगा 2 से, हाँ है ना, 2.8 के अराउंड पे। अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो वैल्यू है ये पॉइंट में आई, कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितने हैं, 2.8 है। और हम जानते हैं कि कंजर्व क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी चार्ज की ये कहती है कि हमेशा चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल में होने चाहिए, मतलब क्या, हमेशा जो चार्जेस है वो इंटीजर्स में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, इंटीजर्स में। क्या आप लोग को इंटीजर्स दिख रहा है, हाँ बोलोगे नहीं भैया नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आई क्या ये इंटीजर के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे बेशक नहीं है भैया। तो मुझे बताना ज़रा क्या ये पॉसिबल है कि यार ये जो स्पेसिफिक आज हम लोगों ने जो टॉपिक देखे यहाँ पे, क्या चार्जेस आप लोग के लिए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में आप लोग को अवेल होते हुए देखने को मिलने वाले, क्लियर भाई, हाँ या ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि चार्जेस कुछ इस तरीके से रह सकते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई दिक्कत परेशानी, होप सो तुम लोग को क्लियर है। अगर तुम लोग को इसका एक डिटेल आंसर चाहिए तो मैं आप लोग को एक थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में भी आंसर दिखा देता हूँ, सो दैट आप लोग की हेल्प हो सके। जैसे देख सक रहे हो तुम लोग, क्यू की वैल्यू तुम लोग की गिवन है, ई की वैल्यू भी तुम्हें पता है, चार्ज यहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला क्या लगेगा, क्यू विच इज़ इक्वल टू एन ई, और एन विच इज़ इक्वल टू क्यू बाई ई का फॉर्म लगा है, हम लोगों ने वैल्यू शैल्यू काट है, आपका आंसर इतना आया। और यहाँ पे देख रहे होंगे जो एन है वो क्या है, इंटीजर्स है, बट यहाँ पे जो n की वैल्यू आई है क्या ये इंटीजर है, नहीं है। तो इस वजह से क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा होगा, बेशक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज की
प्रॉपर्टी यही कहती है कि चार्जेस हमेशा आप लोग को इंटीग्रल फॉर्म में देखने को मिलने चाहिए, लाइक -1000, -2000, +1000, +2000 या 0 भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मुझे बताना सर, चलो एक चीज़ पूछता हूँ तुम लोग से, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या चार्जेस फ्रैक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं कभी? सोच के देखना क्या चार्जेस कभी फ्रैक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं? क्या चार्जेस फ्रैक्शन में आप लोग के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या चार्जेस फ्रैक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं? सोच के बताना ये आपका होमवर्क है, कॉमेंट बॉक्स बताना, मैं सबका रीड करूंगा। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखी, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, एक नंबर के लैग का आप लोग को डेफिनेटली एग्जामिनेशन में बन सकता है, तो फोकस करें ऐसे क्वेश्चंस पे भी, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं बेसिक लेवल के, जो नहीं बन पाते काफ़ी सारे लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ +3.2×10⁻¹ कूलम्ब, कैलकुलेट करना है द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल स्टेट, बताइए भाई कैसे करेंगे, बताओ करना क्या है, बताइए भाई, बताइए 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 बताइए, क्लियर है भाई, करें सॉल्व। हाँ जी, तो चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है? अगर तुम लोग देख पा रहे होंगे, क्यू की वैल्यू जो तुम्हारी गिवन है वो है 3.2×10⁻¹ कूलम्ब। हाँ या ना? आप बोलोगे बेशक भैया बेशक। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, समझ में आया कि नहीं? एट दी एंड तुम्हें यही पता करना है, समझ में आ रहा है ना सबको? आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, n की वैल्यू निकालना, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, q विच इज़ इक्वल टू एन ई, और करके अगर मैं लिखूँ तो n विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा q बाय ई। फॉर्म में अगर हम लोग वैल्यूज़ को रखें, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक सेकेंड, q की वैल्यू रख दिए, हाँ भैया रख दिए, e की वैल्यू रख दिए, हाँ भैया रख दिए। अब मुझे बताइए कितना सॉल्व करके हो रहा है, अगर आप देखो तो ये तो 2 से कट गया है, 19 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 2×10⁻¹2 आया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना था, दी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द न्यूट्रल स्टेट, और वो कितने हैं, वो इतने हैं। क्लियर है भाई लोग? अभी भी एक चीज़ बताना मुझे, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझे कि यार भाई चार्जेस जो है वो आप लोग को किस फॉर्म में देखने को मिलता है, चार्जेस जो है वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलता है, इंटीजर्स के फॉर्म में, तो क्या ये सच में एग्जिस्ट करेगा, बताना जरा, बताओ बताओ। अरे इधर मेरे पूरे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है, कैमरा सामने, साइड में कमेंट सेक्शन है, है ना, समझ में आ गया ना? नहीं करेंगे ना? अरे करेंगे भाई, एन की वैल्यू क्या है, 2×10⁻¹2 है, और 2 क्या है, किस्म से इंटीजर है, खत्म कहानी। तो क्या ये एग्जिस्ट करने वाला है? आप बोलोगे हाँ भैया बेशक करेगा, कोई बात ही नहीं बोलने की। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है, आई थिंक ये रहा उसका आंसर, अगर आप लोग देखो तो एक बार आप लोग के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी, तो जैसे देख रहे होंगे क्यू की वैल्यू आप लोग को गिवन है, मतलब फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो भैया इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इनकी वैल्यूज़ को हम लोग को यहाँ पे गिवन मतलब देना पड़ेगा। क्लियर भाई लोग? तो ये वैल्यू जैसी हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी भाई, तो चलिए वापस से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग के सामने होप सो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, समझ में आया ना, हर सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक बॉडी से आप लोग को जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा टोटल चार्ज 1 कूलम्ब के लिए? क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं? आपको टाइम रिक्वायरमेंट निकालना है और कुछ भी नहीं है स्पेसिफिकली। कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान से देखना, पहली चीज़ गिवन क्या है, देखो अगर तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो तुम देख रहे होंगे एन की वैल्यू क्या है, मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं इतने। क्लियर है भाई? टोटल चार्जेस कितने हैं भाई, जो क्वेश्चन ने कहा टोटल चार्जेस, लेट से इसकी वैल्यू टोटल चार्ज को क्यू डिनोट कर दे, तो क्यू की वैल्यू है 1 कूलम्ब। हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, कितने चार्जेस यहाँ पे हर सेकंड आप लोग को निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं? तो चलिए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ठीक है ना, हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, चार्जेस वो भी स्पेसिफिकली गिवन जो दिए हैं आप लोग को उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, देखो भाई इसको q विच इज़ इक्वल टू एन ई ले लो,
आप बोलोगे हाँ भैया ठीक है, तो क्यूब विच इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 10^9, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10^-19, हाँ है ना। तो मुझे एक बात बताना, क्या मेरे पास चार्जेस पता चल गए कि पर सेकंड कितने निकल रहे हैं? वो निकल रहे हैं लगभग लगभग, अगर मैं कहूँ मोटे मोटे तौर पे, तो आप कहोगे कि भैया वो निकल रहे हैं इतने, हाँ है ना, मुझे पता चल गया। आप बोलोगे बेशक भैया हाँ पता चल गया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा अब ये बताओ ज़रा। तो टाइम रिक्वायरमेंट अगर तुम्हें निकालना है, तो बेसिकली टाइम विच इज इक्वल टू जो टोटल चार्जेस है और जो पर सेकंड में निकल रहा है उसको उससे डिवाइड करा दो। तो जो टोटल चार्जेस है तुम्हारे, टोटल चार्जेस को डिवाइड कर दो लेट से चार्जेस से, तो टोटल चार्जेस कितने हैं तुम्हारे, वो है 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 × 10^-19 कूलम्ब, सॉरी सेकंड में आएगा, क्लियर भाई। तो इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट शैलकुलेट करोगे, तो तुम्हारी जो स्पेसिफिक वैल्यू आएगी 6.2 के आसपास आएगी × 10^9 सेकंड के आसपास आप लोग को टाइम निकल के आने वाला है। मतलब इतना टाइम लगने वाला है या इतने सेकंड लगने वाले हैं, सो दैट मतलब टोटल 1 चार्ज कूलम्ब के लिए, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से क्लियर है, आई होप समझ में आया, कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। आप लोग एक काम कर सकते हो, मैं एक छोटा सा होमवर्क दूँ, आप लोग क्या करना, ये जो टाइम है ये सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर दो रहा ईयर में, कितने हो रहे, कितने साल लग रहे, कितने साल लग रहे हैं। तो चलिए भाई, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे आप लोग के पास सारी वैल्यूज गिवन थी, हाँ है ना, सेम टू सेम देख लो भैया, इतना ही वैल्यू हमारी निकल के आई है। और कितना टाइम रिक्वायरमेंट रहा, तो लगभग 198 ईयर्स लगेंगे, सो दैट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए, अगर 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर जा रहे बॉडी से, तो क्लियर है भाई, समझ में आया। तो यहाँ तक ही क्लियर है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कह सकता हूँ कि कूलॉम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स है, अच्छा जी, अ स्मॉल स्फीयर इज गिवन द चार्ज ऑफ पॉजिटिव 20 μC एंड द सेकेंड स्फीयर इज लगभग इतना, मतलब क्या है यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफिकली दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है, ऐसा ये कह रहा है कि भैया एक पहला चार्ज है जो है 20 μC का और दूसरा है 5 μC का, क्लियर है भाई। क्वेश्चन है आगे का, अगर आप लाइन अगर आगे पढ़ो तो द टू स्फीयर्स आर अलाउड टू टच ईच अदर, अच्छा मतलब ये दो जो स्पेसिफिकली चार्जेस हैं ये दोनों एक दूसरे से आगे टकराएंगे। अब मुझे एक बात बताना, जब ये टकराएंगे तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी, शायद तुम्हें अगर पता हो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है। कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी एट दी एंड ये कहती है कि जैसी बॉडी, मान लो एक काम करता हूँ मैं समझा देता हूँ, ठीक है, तो मान लो इस बॉडी के अंदर 4 चार्जेस है और इस बॉडी के अंदर 2 चार्जेस है, जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ आइसोलेट हो जाएगी, टच हो जाएगी, है ना, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इनिशियल में चार्जेस थे वो फाइनल के बराबर ही देखने को मिलेंगे। कितने थे यहाँ पे टोटल चार्जेस, 6 चार्जेस, यहाँ पे भी 6 देखने को मिलेंगे, लेकिन होगा क्या, इक्वली चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों के बीच में, हाँ या ना, मतलब क्या, इसमें 4 थे इसमें थे, तो इसमें 3 चार्जेस इसमें 3 चार्जेस, क्लियर भाई लोग। तो सेम टू सेम आप लोग को ना कुछ इसी तरीके की कंडीशन यहाँ पे भी देखने को अभी मिलने वाली है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 20 ± 5 चार्जेस, है ना, तो ये हो गए आपके टोटल चार्जेस, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे अगर टोटल चार्जेस इतने हो गए, तो अगर हम लोग देखें अच्छे से तो स्पेसिफिकली वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो रही है 15। अगर मैं बात करता हूँ कि यार दोनों चार्जेस, देखो दोनों चार्जेस जो थे वो टकराए एक दूसरे से, यहाँ पे टोटल चार्जेस इतने हो गए, और बाद में क्वेश्चन ने कहा कि ये सेपरेट हो गए 10 सेंटीमीटर से, मतलब दोनों चार्जेस के अंदर आप लोगों को कितनी वैल्यू देखने को मिली, 15/2 मतलब 7.5 के आसपास μC, एग्री करते हो, तो इतना आप लोग का ही निकल के आएगा। आप लोग एक काम करो, उसको नोट डाउन कर लो अगर आप लोग चाहो तो, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट ये सही तरीके से दिख सके दो मैं, तो ये इतने हमारे निकल के आ गए वैल्यू, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 μC आ गई, क्लियर भाई। अगर मैं R की वैल्यू की बात करता हूँ तो ये आएगा आप लोग का 10 सेंटीमीटर है, उसको मैंने कन्वर्ट किया हूँ मीटर में, तो आप लोग की इतनी वैल्यू देखने को मिल रही है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या अज्यूम करना है कि भैया जो मीडियम है ये एयर है, अच्छा भाई चलो भाई, तो एप्साइलॉन नॉट यूज़ करना है, और फोर्स कितना निकलने वाला है ये पता करना, मतलब कूलॉम्स लॉ लगाना है, तो के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, तो F विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10^9 × 7.5 ट्वाइस टाइम्स अपॉन 0.1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, चलो सॉल्व करो फटाफट।
बताओ जरा कितना आंसर आएगा। अरे भाई इतना तो करें सब भैया ही सॉल्व करके दे देंगे क्या? चेक करो चेक करो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से इसको करके देखो, जरा मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। करें करें भाई सभी लोग करें, हो गया। चलो तो अगर तुम लोग का आंसर आ रहा है लगभग लगभग कितना, तो अगर तुम्हारा आंसर, अरे 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 कलर सेट हो गया, हाँ भाई तो अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 50 के आसपास, 15.5 या 50.6 के आसपास, तो बिल्कुल सही हो, फोर्स है तो न्यूटन लगेगा। अब ये जो स्पेसिफिक चार्जेस थे कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आसपास रहेंगे मान लो 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे ना, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है कैसा है, रिपल्सिव आपको देखने को मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है, तो आई होप मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर है भाई लोग? तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है आप लोग को चीज़ें क्लियर है, इसमें किसी भी टाइप का कोई ग्लिचेस तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी टाइप का इश्यूज़ तो नहीं, आई होप नहीं होगा। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है, होप सो। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ज़रा आंसर को एनालाइज कर लेते, जो हम लोगों ने करे क्या सही निकला। तो जैसे तुम लोग देख रहे होंगे हमारी जो वैल्यूज़ आई है, हाँ जी भैया फोर्स का फॉर्मूला लगाया गया, क्या आप लोग का भी लगभग लगभग इतना ही आंसर आया? तो अगर आपका भी आंसर लगभग इतना इतना आया होगा तो बेशक आप लोगों ने भी सही करे हो, ठीक है भाई लोग? आगे बढ़ते ठीक है। अरे हाँ आया ना, कुछ तो बोल दो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। अच्छा जी, और दो मतलब समझो, देखो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा समझना पहली चीज़ ये देखो, क्वेश्चन ये कहा कि मान लो दो चार्जेस है, एक चार्ज ये है और ये एक चार्ज ये है, क्लियर भाई? इन दोनों चार्ज के बीच में एक क्यू चार्ज सेंटर पे आ गया, मान लो यहाँ कहीं आ गया क्यू चार्ज, क्लियर भाई? और आपको प्रूव करना है कि जो तीनों का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा जी भाई, और जो इसकी वैल्यू है ये इतनी आप लोग को प्रूव करना है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में। अच्छा, इक्विलिब्रियम में मतलब मान लो अज्यूम कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू एक्स है, तो बेसिक सी बात है ये मिड में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू एक्स होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई। आप कहोगे भैया जो टोटल वैल्यू हो रही है 2x है, क्लियर भाई लोग? अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, देखो भैया अब चार्ज बीचों बीच रखा हुआ है एट दी एंड, और जो आजू बाजू बड़े बड़े चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड भी आप लोग का सेम देखने को मिल रहा है, तो हमने माने कि लगभग चलो मान लेते हैं कि ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा होगा, आप बोलोगे हाँ भैया, ये चार्ज इस पर भी फोर्स लगा रहा होगा, हाँ भैया बिल्कुल, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से इक्वेट हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं पहले बात करता हूँ लेट से ये वाले और ये वाले चार्ज के लिए, तो वैल्यू कितनी मिलेगी फोर्स की, तो फोर्स की जो वैल्यू बनेगी लेट से वो बनेगी के कैपिटल क्यू, अरे तरीके के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या, ये दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, क्लियर भाई लोग? आई होप यहाँ तक क्लियर। अगली चीज़ अगर मैं बात करता हूँ दो चार्जेस के बीच की, मतलब ये वाला चार्ज और ये वाले चार्ज, तो जो हमारा फोर्स की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी के कैपिटल क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, नहीं 2x का स्क्वायर, क्लियर है भाई? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है 2x है। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब एक काम करते हैं ना, ये जो हमारे दोनों फोर्सेस आए ये इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में तो ख़त्म कहानी भाई, इक्विलिब्रियम में तो काम करिए, नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, आए ना, और दोनों फोर्सेस की वैल्यू को एड ऑन कर दो, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ के क्यू का स्क्वायर अपॉन लेट से 4x का स्क्वायर लिख दूं मैं, विच इज़ इक्वल टू जीरो। इसको मैं उधर अगर ट्रांसफ़र कर दूं तो हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के क्यू का स्क्वायर अपॉन 4x का स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया। अब ध्यान से देखना, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। क्या क्यू स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। क्या के से के कट जाएगा, भाई देखो कटना वटना तो सबका तय है, ये तो लिख कर रख लो, आपका आज कटे कल कटे जो भी है, है ना, कितने भी वादे हो जाए आपके लेकिन वक्त आने पे सब छोड़ देते हैं। क्यू विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी भाई, तो नेगेटिव ऑफ क्यू अपॉन फोर, तो क्या यही चीज़ प्रूफ हुई भाई, चेक करो। आप बोलोगे हाँ भैया बेशक यही चीज़ प्रूफ हुई है, कोई दिक्कत इसमें, किसी भी टाइप का किसी को भी बोलो यार, कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ मैं सबका, नहीं है ना, बढ़ूँ आगे, डन। चलो तो वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको और आपके परिवार वालों को कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए भाई, तो यहाँ तक कि आप लोग की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आप लोग भी चेकआउट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। हो गया सबका नोट डाउन? चलो भाई, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा जो आंसर आया है, ये स्पेसिफिकली मैंने ना आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, सो दैट मान लो अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ से आप लोग अपने आंसर को देख सकते हो। क्लियर है भाई? हाँ या ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं करे तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम लोग क्यों परेशान होते हो। तो चलिए, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ तक कि आप लोग का हो चुका होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप लोग एट द एंड कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि बीच वाले चार्ज पे फोर्स तो लग ही रहा होगा। एग्री करते हो ना? तो दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे इस पे, तो एक लग रहा होगा इससे, तो इससे और इसके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, आइए देख लेते हैं। तो मान लो एफ वन विच इज इक्वल टू हो गया के क्यू, एक सेकेंड, हाँ जी, के क्यू फोर क्यू अपॉन, यार कैपिटल क्यू नाम दिए ना, एक सेकेंड, कैपिटल क्यू अपॉन, अब बताओ इनके बीच की डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत? दूसरा जो फोर्स बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, तो वो बनने वाला है आप लोग का एट द एंड किसके किसके बीच में, वो बनने वाला है क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में। क्लियर भाई? तो आप लोग का फोर्स कितना होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एट द एंड ए माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया दोनों इक्विलिब्रियम में, तो दोनों को इक्वेट मार दो, आया ना? अरे भाई इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्सेस की वैल्यू कितनी होगी, खत्म कर, इसको उधर ले लो तो कितना हो जाएगा, एफ वन विच इज इक्वल टू एफ टू। क्लियर भाई? इक्वेट कर दिए, के क्यू फोर कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ काटा पीटी होगी, तो अगर आप देखोगे तो के से के आप लोग का यहाँ पे कट जाएगा, क्यू से क्यू हो जाएगा, ये भी गया, हाँ या ना? तो आप लोग बोलेंगे हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। ठीक है भाई, तो एक सेकंड इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है, क्या करें यार, एडजस्ट करना पड़ता है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोग का स्पेसिफिक यहाँ पे क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक ही क्लियर है। अब आपको क्या करना है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अरे रे 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 रे, इतना मोटू इंक कैसे हो गया। हाँ जी भाई, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर उधर कर दो, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ साइड अंडर रूट लगा देंगे तो a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स बच जाएगा, ये वैल्यू उस तरफ चल जाएगी, या इसको उधर ला लो, जो भी आप लोग को लगे। तो एट द एंड तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, तो यहाँ तक कि हमारी वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हाँ भैया आ गई, इसको उधर ले लूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आप लोग की टू टाइम्स ऑफ एक्स, और हमारी वैल्यू आ रही है कितनी, अरे 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 अरे, एक मिस्टेक हो गई हमसे। ध्यान से अगर तुम लोग देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे फोर भी तो बचा था, तुम्हारे भैया ने तो फोर को खा ही गए। ठीक है भाई, फोर को वापस से जिंदा कर लेते हैं, तो फोर ये रहा। ठीक है, तो जैसे तुम लोग इसको इधर भेजोगे तो फोर यहाँ आ जाएगा, और लेट से इसको हटाओगे तो इसका भी अंडर रूट करोगे ना, तो ये टू हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जी टू हो जाएगा, तो फिर ज़रा थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ जी भाई, तो टू ए माइनस टू एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एग्री करते हो? तो टू ए विच इज़ इक्वल टू, ये इसको उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, थ्री टाइम ऑफ एक्स, और ए की वैल्यू कितनी बचेगी अब, अगर सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, वो बचेगी आप लोग की टू ए अपॉन थ्री। क्या इतना ही आंसर आ रहा है, आइए चेक कर लेते हैं, आप लोग का भी इतना ही आया क्या, आप सभी लोग का इतना ही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलो, तो ध्यान से अगर आप लोग देखने की कोशिश करो तो एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा क्या गलत तो नहीं था। तो हाँ जी भाई, तो x की वैल्यू आई कितनी, 2a बाय 3, तो बिल्कुल सही करे हो आप लोगों ने भी, बेशक बेशक बेशक। तो जो मैं ये कह सकता हूँ कि दो चार्जेस के बीच में जो एक क्यू चार्ज आया था, ये इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो वो कब होगा, जब उसकी डिस्टेंस कुछ इतनी रहे। क्लियर भाई लोग? तो एट द एंड जो एक्स की वैल्यू कितनी है वो है 2a बाय 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है, नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
चलो भाई तो आगे बढ़े। हाँ है ना, चलिए भाई तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सा है, नए में है तो इस पर भी आप लोग को फोकस करना ज़रूरी है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 5 माइक्रो कूलॉम, दूसरा है वो भी 5 माइक्रो कूलॉम, तीसरा वो भी 5 माइक्रो कूलॉम, तीनों की चार्ज की वैल्यू एक जैसी है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर आप लोग को वर्टाइसिस पे देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट से ये रहा आप लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सेकेंड। हाँ जी भाई, अरे ज़रा थोड़ा सा छोटू हो जाओ। तो जैसे देख रहे हो तुम लोग, ये रहा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर भाई? मोटे मोटे तौर पे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो एडजस्ट कर लेना, है ना। तुम लोग बोल रहे हो अरे यार भैया ऐसे कैसे कर ले हम लोग। हाँ जी भाई, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। चलो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी 5 माइक्रो कूलॉम है, पॉजिटिव 5 माइक्रो कूलॉम, यहाँ पे भी। अरे 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 अरे, ये कहाँ चला गया? हाँ जी, यहाँ पे भी 5 माइक्रो कूलॉम है। क्लियर है भाई? और यहाँ पे भी 5 माइक्रो कूलॉम है। क्वेश्चन ने ये कहा कि इनके जो साइड्स है ये सबके सब कितने, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये भी आप लोग का एट द एंड है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको फाइंड आउट करना है द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग को आते हैं और बनने चाहिए भाई। नहीं बन पाते मुझे मालूम है आप में से काफ़ी सारे लोगों, लेकिन हाँ कोशिश करना हमें कि बन पाए। ऐसे वाले क्वेश्चन एट द एंड तुम्हें ना कहीं फंसाने की कोशिश करना है। तो कैसे करना है तुम्हें, तो देखो मान लो किसी एक का रेफरेंस ले लो, मान लो सी का रेफरेंस ले लिया और इसके थ्रू तुम लोगों ने वैल्यूज़ को निकाल लिया। किसी एक चीज़ का रेफरेंस ले लो और उसके थ्रू आप लोग वैल्यूज़ को निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। इसमें आप लोग को परेशान होने वाली बात नहीं, समझ में आया? तो मान लो पहला ये वाला चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, हाँ है ना। तो लेट से इसका फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? आप बोलोगे भैया जिसका फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा इस तरफ। क्लियर भाई? अब मान लो ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा। तो मान लो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, मान लो, तो ये रहा इसका डायरेक्शन। आप मुझे एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? आप बोलोगे भैया 60 डिग्री। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी किसी भी टाइप की आई होप नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताना, सारे टाइप के चार्जेस एक दूसरे के सेम टू सेम, और जब चार्जेस एक दूसरे से सेम है तो फोर्सेस भी इनके कहीं ना कहीं एक जैसे होंगे। आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो, फोर्सेस भी सेम होंगे, एग्री करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फोर्सेस लग रहे होंगे किस तरफ लग रहे होंगे? ध्यान से आंसर करना, गलत मत कर देना। आप बोलोगे भैया जो फोर्स लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स दोनों इन दोनों के बीच में लग रहा होगा। क्लास 11th में तो हमने यही पढ़े ना कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है इन दोनों के बीच से आप लोग को देखते हुए देखने को मिलने वाला है। तो मान लो ये लग रहा था एक एफ फोर्स, ये लग रहा था एफ फोर्स, तो नेट फोर्स बीचों बीच लग रहा है, और बीच में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है भाई? तो एक काम करते हैं, इसको साइड में करते हैं और पहले फोर्स निकालते हैं, सिंपल फोर्स के कितना लग रहा है, फिर नेट फोर्स निकालते हैं। तो ये रहा आप लोग का स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके से चीज़ है, जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे। क्लियर भाई लोग? अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले फोर्स निकाल ले रहे हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर भाई? तो एफ एच इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ हो गया। अब यहाँ पे चार्जेस तुम लोग को गिवन है 5 माइक्रो कूलॉम में, माइक्रो इसलिए 10⁻⁶ लग जाएगा आप लोग का। आप बोलोगे हाँ ठीक है भैया लगा दो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 10⁻⁶ लगा दिया, कोई दिक्कत, और पावर में 2 कर दिया अपॉन में आर का स्क्वायर। मतलब क्या, दो दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। आप बोलोगे ठीक है भैया हाँ 10 सेंटीमीटर थी, तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर आप लोग का ये हो जाएगा। क्लियर भाई? इसको अगर तुम लोग सॉल्व करो, जल्दी से करो, जल्दी करें, या आप लोग का वक्त दिया गया है, आप भैया से ही सब करवा लो, है ना भैया? यार ऐसा तो मत करो, करो करो करो, ये गलत बात है। नहीं 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 चलो करो करो, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। करना क्या है, एंड कुछ नहीं है यार भाई, आपका फोर्स की वैल्यू निकल गई है, आपको बस इस तरफ में एफ की वैल्यू पता कर लेना और कुछ भी नहीं। देखो यहां तक हो गया, कितना आया तुम्हारा आंसर, पहले कर लो फिर ये बताता हूँ, ये वाला समझ लो जब तक कि नहीं। तो लेट से ये रहा फोर्स इस तरफ और एक फोर्स लग रहा है इस तरफ, हाँ है ना। रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है? आप बोलोगे भैया अरे 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 अरे, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इस तरफ आप लोग को देखने को मिल रहा है, एफ नेट की वैल्यू। क्लियर है भाई?
इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ पे भी कितना बन रहा है 30 डिग्री का, क्लियर है भाई। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो एफ है यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया वो होगा एफ कॉस थीटा। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा जिसके साथ एंगल बन रहा है उस जगह पे हो या उस एक्सिस पे कॉस थीटा बन जाएगा, और अपोजिट में जहाँ पे नहीं बन रहा है मान लो उसके अपोजिट में, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ साइन थीटा बनेगा। और सेम ये वाले एफ को अगर मैं इस तरफ लेकर देखूँ तो कितना आएगा एफ कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट फोर्स की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 times ऑफ एफ कॉस थीटा। एग्री करते हो, कोई दिक्कत? या मैं कह सकता हूँ 2 times ऑफ एफ कॉस 30 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ जो 2 है और जो f की वैल्यू है और जो cos 30 की वैल्यू है वो पुट करे, आपका आंसर आपके सामने अभी आ जाएगा। क्लियर भाई? तो अगर आप लोगों ने f की वैल्यू निकाल ली, सब लोगों ने निकल गई सबकी f की वैल्यू निकल गई, तो चलो भाई, तो क्या आप लोग का f की वैल्यू इतनी आई है, कुछ चेक करना जरा, क्या आप लोग की जो f की वैल्यू है ये आई है 22.5 न्यूटन के आसपास। और अगर आप लोग का इतना आंसर आया है तो बेशक सही हो आप, यहाँ पे आंसर रख दो ज़रा 22.5, तो आप लोग की f नेट की वैल्यू आ जाएगी 38.97 न्यूटन के आसपास, और ये है नेट फोर्स। क्लियर भाई? फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड बी, लेट से ये रहा ए और ये रहा लेट से बी, विल बी सेम एज इतना किस पे, इस सी पे। क्लियर भाई? चलो करो जल्दी से, लिख लो भाई लोग जल्दी जल्दी लिख लें, हो गया डन। देखो भाई यही कुछ ऐसे पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ना नहीं बनते, और एट दी एंड ना हमको घबराहट होती है इन्हीं क्वेश्चंस पे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस पे हमें घबराहट होती है और हम परेशान रहते हैं कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, हमसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हो जाएगा आराम से, लोड क्यों ले रहे हो इतना, हो जाएगा, इत्मीनान से करो। चलो करो, लिखो 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 जल्दी जल्दी, लिख लिए डंडना डंडन। हो गया सब लोग का? चलो भाई, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल सही कर लिए होंगे और लिख लिए होंगे मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं, ये रहा इसका आंसर, क्या आप लोग का भी आंसर इतना ही आया जो हमारा आया? हाँ जी भाई बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई लोग? लोड ना लो, हो गया सबका, बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा भाई जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लेंदी और एकदम धमाकेदार सा क्वेश्चन देख रहा है कि कूलॉम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्सली स्क्वायर डिपेंडेंस। आपको पता होगा ये चीज़ कि ग्रेविटेशन फोर्स में भी जो फोर्स है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के बीच में। सेम टू सेम हमारा जो कूलॉम्बियन फोर्स था उसमें भी यही देखने को आपको मिला था। एग्री करते हो कि नहीं? अगर मैं मोटे मोटे तौर पर ये कहूँ कि कूलॉम्स लॉ में भी हमने देखे कि एफ जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, आप बोलोगे ठीक है भैया ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो आप जानते होंगे जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर, तो वहाँ पे भी वन अपॉन आर का स्क्वायर, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही चीज़ क्वेश्चन ने कहा और कुछ भी नहीं। हाँ जी भाई, तो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, मतलब तो अब जैसे तुम लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन ने यहाँ पे आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें करा, कंपेयर करना है आप लोगों को स्ट्रेंथ इन दोनों के फोर्सेस के बीच में, और सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, दूसरी चीज़ निकालना है दो प्रोटॉन के लिए। क्लियर भाई? ये चीज़ क्वेश्चन ने कहा। क्वेश्चन ने दूसरा पोर्शन ये कहा कि एस्टिमेट करना है आप लोगों को कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से। अच्छा चलो ठीक है, निकाल लेंगे इतना, कोई लोड ना ले। तो चलिए भाई, तो एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा मुटू देते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई सबको, आई होप क्लियर होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता भी होगा कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, वो होता है के क्यू वन
क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करी जाए तो वो होता है आप लोग का एम वन एक जी एम वन एम टू जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर भाई? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किसके लिए, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। क्वेश्चन ने जो हमें सबसे पहले कहा है जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है दोनों का रेशियो लेना है और कुछ भी नहीं। पहले हम लोग फोर्स बना के देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, एफ ई ले लो ऐसे ही, के दो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है यहाँ पे। के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा भैया आप लोग का के क्यू वन की वैल्यू लेट से ई और इसकी भी वैल्यू ई, तो ई का स्क्वायर ले लूँ मैं, तो हाँ भैया ई का स्क्वायर ले लो अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर भाई लोग? और अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो कितना बनने वाला है, वो बनने वाला है आप लोग का जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? एट दी एंड तुम्हें क्या करना है, एफ ई को डिवाइड कर देना है एफ जी के साथ और कुछ भी नहीं। क्लियर भाई? तो चलिए कर देते डिवाइड, तो के ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम वन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपॉन आर का स्क्वायर। कुछ कटापिटी होगा तो आप बोलोगे हाँ भैया हो जाएगा, ये इससे वैल्यू कट जाएगी। अब देखो तुम्हें करना क्या है एट द एंड, देखो ध्यान से हम समझने की कोशिश करना, यहाँ पे तुम्हें सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे तुम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तुम्हारा एट द एंड आंसर निकल के आ जाएगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा टफ जो तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। के की वैल्यू कितनी है पहले लिख लो कि आप लोग का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा के ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। क्लियर भाई? सारी वैल्यूज रखो जरा फटाफट। के की वैल्यू ठीक है भैया, ई की वैल्यू रख दो फटाफट, तो हो जाएगी आप लोग की यहाँ से इतना। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ओवरलैप हो रहा है कि? अच्छा एक सेकंड रुको रुको, बोल दिया करो यार ओवरलैप हो रहा है, तो मैं अभी इसको एडजस्ट कर देता हूँ। चलो भाई अब ठीक है। तो चलिए भाई, तो डिवाइड कर रहे थे हम लोग एट द एंड, जी की वैल्यू आप लोग को पता ही होगी, तो यहाँ से आप लोग की जी की वैल्यू हो गई। ई की वैल्यू रख देते हैं ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटॉन की मास रख देते हैं। क्या भैया ये सब रट के जाना पड़ेगा? नहीं भाई बिल्कुल नहीं रटना, ये एग्जामिनेशन में ये वैल्यूज गिवन रहती है आप लोग के पेपर के सामने ही, तो बोर्ड्स एग्जाम में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इन सब वैल्यूज़ को रट के जाना पड़ेगा, भाई हमसे तो याद ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं भाई, आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा। चलो अब इतना तो आपका काम है भैया, ज़रा जल्दी से इनका मैग्नीट्यूड निकालो, इनके रेशियो का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताएं कितना आ रहा है। होमवर्क है अभी, होमवर्क क्या क्लास वर्क है, जल्दी करो, गलत शलत मत करना बस, है ना, जल्दी करो ज़रा फटाफट, हो जाए तो बताओ। डन होने का, कर लो इत्मीनान से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। डन आप लोग का? कर लो इत्मीनान से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में दिक्कत क्या निकल के आती है ना, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना बनता नहीं है सॉल्व करना कि यार भैया हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे। भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बनेगा नहीं, एग्ज़ाम में ये चीज़ें बनना ज़रूरी है, जब तक कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होने नहीं वाला सॉल्व, ये तो लिख कर रख लो ये चीज़ें। समझ में आया ना, एकदम सत्य बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व नहीं करे तो चीज़ें नहीं बनने वाली है, ये तो लिख कर रख लें आप लोग, कितना भी आप लोग मेहनत कर लोगे। चलो भाई, तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है लगभग 2.4 × 10⁻³ के आसपास, तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। कितनों का आंसर आया भाई, आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी, आ गया, वेरी गुड। तो ये तो एक पहला फॉर्म हो गया जो आप लोग को निकालना था एट द एंड, इसी में ना दूसरा फॉर्म भी है जो आप लोग को करना है, तो चलिए भाई इसी का दूसरा फॉर्म भी देख लेते हैं। एक सेकंड, इसी का दूसरा फॉर्म भी देख लेते हैं। हाँ जी भाई, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले तो हम लोगों ने निकाल लिया इसके लिए, आप बोलोगे ठीक है भैया निकाल लिए बहुत अच्छा लगा निकाल के, अरे कहाँ चला गया। हाँ जी भाई, अरे 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 पूरे क्वेश्चन हमारे घूम गए भाई, ये क्या हो गया,
अरे भाई लोग, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ही घबरा गए थे। हाँ जी भाई, तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ जी भाई, तो अब ध्यान से देखना यार, हमारे पास पेजेस की कमी हो गई है क्या? क्या हो गया भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? चलो, तो ध्यान से अगर तुम लोग देखो तो तुम्हारे पास यहाँ सेकंड जो तुमको निकालना था वो क्या निकालना था? फॉर टू प्रोटॉन्स के लिए निकालना था। अब ये दो प्रोटॉन्स के लिए निकालना है तो तुम्हें एट द एंड क्या करना पड़ेगा? अरे जैसे तुम लोगों ने सिमिलरली सॉल्व करे थे, सेम टू सेम वैसे ही करना है। बस यहाँ पे दो चार्जेस जो लिए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसकी जगह प्रोटॉन प्रोटॉन लेके कर लो। कराना पड़ेगा या मैं करके दूँ, बोलो? अरे मतलब देखो, हम लोगों ने जो फोर्स निकाले थे ना, एफ ई अपॉन एफ जी विच इज इक्वल टू, देखो जी आर से आर तो कट गया था, हमारी वैल्यू कितनी बची थी? के ई का स्क्वायर अपॉन जी एम वन एम टू। अब ये जो एम वन और एम टू है, ये क्या है? वहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे कौन है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन प्रोटॉन। ये हो जाएगा प्रोटॉन, ये भी हो जाएगा प्रोटॉन। क्लियर भाई? वैल्यूज रखिए, आंसर लाइए, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आप सभी लोग जानते हो 6.67 × 10⁻¹⁹। और एम और इन दोनों की वैल्यू आप लोग दोनों साथ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अभी जल्दी करके मुझे अभी बताएं कि आपका आंसर कितना आने वाला है, और अगर आ गया हो तो भी बताएं। अगर आपका आंसर आ चुका है तो भी बताएं ना, कंजूस ना बने। अगर आपका आंसर आ चुका है तो भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो अगर आप लोग का आंसर आ चुका होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब देखो, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं पूछे, ऐसे वाले क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में सच में आते हैं, बोर्ड्स एग्जाम में तो सच में ही पूछता रहता है। तो हमें ना लिटरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, वेल प्रिपेयर्ड रहना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आप लोग को परेशान भी करेंगे और डेफिनेटली आप लोग को पूछे भी जाएंगे, तो प्रॉपरली इन सबको प्रिपेयर करके जाएं। अब जैसे ये दो प्रोटॉन के लिए पूछ लिया, आपको एग्जाम में बोल सकता है दो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के दिखाओ। चलो मैं होमवर्क ही दे देता हूँ आपका, कि आप लोग को टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आप लोग को मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी आने वाली है। ठीक है, इतना कर लोगे? चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई, ध्यान देते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से सॉल्व कर लिए होंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे तो अगर आपका वैल्यू आ रहा है इतना तो आप लोग बिल्कुल सही करे हो। कितनों का आंसर यही आया है भाई? आप में से काफ़ी सारे लोगों का आंसर डेफिनेटली आ गया होगा। क्वेश्चन ने एक और चीज़ कहा था, अगर आपको याद होगा, कि आपको एस्टिमेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, ध्यान से समझना। आप लोग को कहा जा रहा है एक्सेलरेशन निकालने को। क्लियर है भाई? पहली चीज तो मुझे एक बात बताओ, एफ की वैल्यू कितनी है, पहले ये देख लेते हैं। लेट से अब अगला वाला जो बी वाला था ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एफ की वैल्यू कितनी थी? वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। क्यू वन क्यू टू में आ जाएगा आप लोग का ई ई, या ई का स्क्वायर ले लो अपॉन आर का स्क्वायर। और क्वेश्चन ने आप लोग को चिल्ला चिल्ला के कहा है कि स्पेसिफिकली, अगर क्वेश्चन अगर तुम लोग रीड करोगे तो उसमें देखो तुम लोग को लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर है भाई लोग? तो चलिए वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करिए भाई, फटाफट करो। हो गया? अरे 1 एमस्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन ने कहा है ना 1 एमस्ट्रॉन्ग, खत्म कहानी। एमस्ट्रॉन्ग को अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा? 10⁻¹। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है? वो आता है 9 × 10⁻¹⁹ इंटू, आप लोग का यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? वो आएगा 1 एमस्ट्रॉन्ग था, तो कन्वर्ट करें इसको तो इतना कुछ हो जाएगा। अगर आप काटा पीटी करके आंसर निकालो जरा कितना आ रहा है। करिए कुछ तो, करिए सॉल्व तो करिए। अरे करो भाई सॉल्व, गंदे बच्चे मत बनो, सॉल्व करना सीखो जरा फटाफट। फोर्स आ गया, आ गया सब लोग का? चलो, तो अगर तुम्हारा जो फोर्स है वो आ रहा है लेट से इतना, कितना? 2.3 × 10⁻¹⁸ न्यूटन के आसपास, तो बिल्कुल सही आंसर। कितनों का सेम आंसर आया? अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कैसे करेंगे भैया? हम लगाएंगे न्यूटन का दूसरा लॉ। न्यूटन का लॉ क्या कहता है? एफ विच इज इक्वल टू एम ए, ए के फॉर्म में अगर ले तो
तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हो। तो ये आप लोग का क्लास वर्क अभी रहेगा कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे भाई और मुझे बताएंगे कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, ज़रा मैं इसको छोटू मोटू कर दूँ। हाँ जी भाई, ध्यान से देखना। तो a विच इज इक्वल टू कितना हो गया, f की वैल्यू 2.3 इंटू 10 रेशी पावर माइनस 8। क्लियर भाई? m की वैल्यू, अब ध्यान से देखना, यहाँ दो चीज़ की बात होगी। पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को नीचे ले लेना है और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मैं बात करता हूँ प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा, फोर्स तो सेम रहेगा। आप बोलेंगे ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोग का इतना। चलिए दोनों की वैल्यूज रखिए, आंसर लाइए जरा फटाफट। एक्सेलरेशन है यूनिट माई मेरे, कैसी बात कर रहे हो यार, मीटर सेकंड थोड़ी ना होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर भाई? चलिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आएगा आप लोग का। ये कट रहेगा, एक सेकेंड मैं इसको साइड में कर लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोल दिया करो, शर्माने की जरूरत क्या है। चलो भाई करके दिखाओ जरा, जल्दी जल्दी करें। मैसेज आ रहा है स्टे हाइड्रेटेड। ओके, हाइड्रेटेड रहेंगे, डोंट वरी। हो गया सॉल्व सबका, डंडना डंडन डंडन डंडना डंडन, क्या बता दो क्या आपका डन हो गया है? हो गया सॉल्व, बन गया। चलिए भाई, तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग का जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था, मास ऑफ सॉरी एक्सेलरेशन जो आप लोग का आया होगा, आएगा 2.5 इंटू 10 रश द पार, यह आया होगा 22, और ये आया होगा 1.4 इंटू 10 रश द पार 19। क्या इतने ही आंसर आए आप लोग के? अगर आप लोग के इतने ही आंसर आए हैं तो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? कितने लोगों को बन गया? बन गया, बहुत बढ़िया। चलो तो वेरी गुड यार, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप लोग को मैंने डिटेल आंसर का भी पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ, सो दैट यार आप लोग को अगर हौच पौच लगे मेरा आंसर तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए निकाले थे, क्या हमारी वैल्यू कुछ इतनी आई है? फिर हम लोगों ने टू प्रोटॉन्स के लिए निकाले, तो क्या आप लोग की वैल्यू इतनी आई है? आई है, वेरी गुड। और सेकेंड वाला जब हम लोगों ने सॉल्व करे तो हमारे लिए जो दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है आप लोग की भी चेक कर लो जल्दी जल्दी, इतना ही आया है सब लोगों का। अगर आप सब लोग का भी इतना ही आंसर आ रहा है तो आप लोग बहुत सही कर रहे हो यार, परेशान ना हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग इजाज़त दें तो। हाँ भैया इजाज़त है, ठीक है भाई इजाज़त है तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सॉल्व करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, बढ़ जाएगी नहीं, नहीं बढ़े क्या यार, कैसे चलेगा ऐसा, कैसे चलेगा? हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो भाई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, प्लेट के बीच के आप लोग को डिस्टेंस बता दी गई है और उनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है वो इतना है। अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ है, तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे वाली क्या होगी, नेगेटिव ही होगी, और एक नेगेटिव चार्ज जो है इन दो प्लेट के बीच में आप लोग को देखने को मिल रहा है और ये स्टेशनरी पोजिशन में। समझ में आया? ध्यान से समझना भाई, कोई चीज़ हवे में है तो वो ऐसी हवे में तो होगी नहीं भाई, ग्रेविटी जो है उसे नीचे भी खींच रही होगी और कोई ना कोई फोर्स इस पर ऊपर भी लग रहा होगा। मतलब अगर ये बॉडी हवे में है, है ना, तो जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो mg के बराबर होगा? तभी तो ये स्टेशनरी में हो सकती है। अगर फोर्स ज़्यादा लगे तो बॉडी ऊपर चल जाएगी, mg ज़्यादा लगे तो नीचे चल जाएगी, यही होगा ना एट द एंड, तो यही चीज़ होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना, डायग्राम पहले बनाता हूँ फिर देखते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो ये दो प्लेट्स हैं, क्लियर है भाई लोग? क्वेश्चन ने कहा कि ऊपर वाली प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है, क्लियर है भाई लोग? अब ध्यान से देखना, इनके बीच में आप लोग को ना एक क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, दिख रहा है सबको, ये रहा इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोग एक बात बताना, ये सोर्स से कनेक्टेड है? हाँ जी, जैसे बोलेगा यार क्या यार बताते ही नहीं हो पूरा। लो भाई, तो ये ना एक सोर्स से भी कनेक्टेड है, तो पहले वो भी बना लेता हूँ वरना तुम लोग बोलोगे कि यार कैसा काम चलेगा भैया। तो अरे 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 अरे, हाँ जी भाई
क्वेश्चन ने कहा कि ये सोर्स से कनेक्टेड है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आप लोग का 1000 वोल्ट के आसपास है। क्लियर भाई लोग? अब ध्यान से देखना, अब ये इलेक्ट्रॉन हवे में है, ऐसा एक किस्म से स्टेशनरी है, रुका हुआ है। कब रुका रहेगा? पहली चीज़ तो ये कि यार भाई इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ पे एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना? अरे नेगेटिव को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेकर जा रहा होगा और नीचे पे एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो उसको नीचे खींचना चाह रहा होगा। अगर ये स्टेशनरी में है, इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या ये mg के बराबर है? हाँ जी, तभी तो स्टेशनरी में रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा? क्या हवा में अपने आप? ऐसा नहीं है भाई, आयरन मैन को भी क्या करना पड़ता था? देखो आयरन मैन जब ऊपर चढ़ता था तो याद होगा उसके यहाँ पे से वो लगे रहते थे, क्या बोलते थे, जहाँ से वो एकदम से क्या करता था, उड़ता था, तो प्रेशर यहाँ से बिल्ड करता था सो दैट वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। अगर वो जैसे ही बंद हुआ तो सीधे नीचे आयरन मैन आया ना, एम जी फोर्स लगता था, और वो जो फोर्स लग रहा था वो ऊपर की तरफ लग रहा था उसके सूट की वजह से। तो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आप लोग का क्यू ई, विच इज इक्वल टू एम जी। भैया कहाँ से आया? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक अरे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी? इतनी होती थी एफ एच इज इक्वल टू क्यू ई, यहीं से आया। क्लियर भाई? तो ये हो गया आप लोग का। अब मुझे एक बात बताओ, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉप होने वाले हैं। क्लियर भाई? जब ये कंडीशन चल रही है, अब तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है? आप तो बोलोगे भैया डायरेक्ट लगाओ खत्म कहानी, डायरेक्ट लगाओ खत्म कहानी, एग्री करते हो? डायरेक्ट वैल्यू निकालो खत्म करो, क्या है तमाशा माशे कर रहे हो? लेकिन एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी यहाँ पे? अरे क्यू की वैल्यू क्या है ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है कहीं पे भी क्यू की वैल्यू? देख लो, मास दिया है आप लोग को, ई की वैल्यू दिया है, जी की वैल्यू दिया है, क्या क्यू की वैल्यू पता है? आप बोलोगे नहीं पता है, तो पहले काम करते हैं ना, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करें एट द एंड, ध्यान से देखना, हम लोगों ने ये करें कि q विच इज इक्वल टू एम जी अपॉन ई कर दिए। अब आप बोलोगे भैया m की वैल्यू है क्या? हाँ बोलोगे, हाँ है। g की वैल्यू है क्या? हाँ भैया मास हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है 4.8 वाला। e की वैल्यू गिवन है क्या? देखो नहीं है भैया, v की वैल्यू गिवन है। अब ये v की वैल्यू गिवन है और e की वैल्यू क्या है, मजाक है भाई। तो आप लोग को याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल आप लोग का चेंज होता रहता है, तो वो क्या होता था? ई विच इज इक्वल टू वी बाय डी। वी की वैल्यू गिवन है, आप बोलोगे हाँ भैया गिवन है, और डी की वैल्यू गिवन है, ध्यान से देखना जरा, 10 mm गिवन है, हाँ जी भैया, तो कन्वर्ट करके इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ से आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी, लेट से कट पिट कर आप लोग का आ जाएगा इतना। क्लियर भाई? तो सारी वैल्यूज रखो और पहले क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्लियर भाई? जल्दी करें, तो q विच इज इक्वल टू m की वैल्यू, मास की वैल्यू निकाल लेते पहले, और वो दी हुई आपको इतनी। क्लियर भाई? g की वैल्यू तो आप लोग को सबको पता ही होगी, आप लोग को ऐसा लगता है कि यार टफ लग रहा 9.8 करके, तो 10 ले लो अभी के लिए। e की वैल्यू रख दो, तो इससे क्या होगा ना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और कुछ q की वैल्यू निकालो बटाक से, जल्दी बताओ कितना आपकी q की वैल्यू आ रही। जैसे ही q की वैल्यू आ जाए उसको हमको बेसिकली पुट करना है यहाँ पे, e की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू निकल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉप आउट हो रहे हैं किस्म से, है ना? क्लियर भाई? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं वो पता चल जाएंगे ड्रॉप के अंदर। होप सो तुम लोग का यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं, सॉल्व कर लिए सब लोगों ने, बन गया डन। अरे हो गया तो बोल दो भाई, शर्माने की क्या जरूरत। तो Q की वैल्यू क्या है भाई, देख लेते पहले। तो अगर तुम लोग अच्छे से देख रहे होंगे तो जो चार्ज आया होगा तुम्हारा वो आया होगा 4.8 × 10⁻¹⁹ इतना आया। कई लोग बोल रहे होंगे कि भैया वो तो आप बोल रहे थे कि चार्जेस जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं और पॉइंट में है डेसिमल। अरे चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज की बात नहीं, और ये चार्ज की बात है। क्लियर भाई? इसकी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गई ना तो फिर वो बात अलग है। क्लियर भाई? तो अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो n विच इज इक्वल टू 4.8 × 10⁻¹⁹ अपॉन e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ काटा पीटी, ये कट जाएगा 16 3 जैसे। क्लियर भाई? और ये 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके, 3 आए, बन गया। कन्फ्यूज नहीं होना चार्ज में और नंबर ऑफ चार्ज में, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहनी चाहिए। क्लियर भाई? ये n की वैल्यू पॉइंट में नहीं रहनी चाहिए, फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करे थे, ध्यान से देखना, पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर तुम्हें अच्छे से ध्यान हो तो देखो यही चीज़ तुम्हारे लिए गिवन थी वहाँ पे भी। कहाँ गया भैया? ये देखो
चार्ज की वैल्यू भले तुम्हारे लिए वो पॉइंट में थी, लेकिन एन की वैल्यू पॉइंट में थी तो हमने बात करें ना कि नहीं है। अगर एन की वैल्यू मान लो 3 आ जाता तो हम बोल देते कि हाँ भैया ये पॉसिबल है जो चार्ज की वैल्यू गिवन है। तो जो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आई है एट द एंड, हाँ भाई ये पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ चार्जेस क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्लियर भाई? तो चलो आई होप तुम्हें यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़े। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार से है, ऐसा क्वेश्चन ना एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, तो फोकस करना है कि यार आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर सको। तो चलिए भाई, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि द डायमीटर ऑफ द होलो मेटालिक स्फीयर इज 60 सेंटीमीटर एंड द स्फीयर कैरी दी चार्जेस ऑफ 5500 माइक्रो कूलम। आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले कहाँ पर पता करना है? एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। दूसरी चीज़ तुम्हें पता करना है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर से। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा मज़ेदार सा लग रहा है, पहले यार एक काम करते हैं एक होलो मेटालिक स्फीयर बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं भाई, जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे ये बना लिया मैंने एक स्फीयर। ओ तेरी स्फीयर तो नहीं, कुछ और ही दिख रहा है। तो अरे रे 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 रे, रे बन जा भाई। अरे अब ठीक है, हाँ जी अब बन गया बन गया। तो ये स्फीयर है, क्लियर भाई? मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसका नाम है लेट से ओ। क्लियर भाई? आपको क्या करना है एट द एंड, देखो क्वेश्चन ने तुम्हें कहा है कि इस स्फीयर के अराउंड पे जो तुम्हारे चार्जेस कैरी आउट है वो इतने हैं। तुम्हें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले पता करना है स्फीयर से 100 सेंटीमीटर दूर, मतलब मान लो एक काम करते हैं हम लोग इस स्फीयर से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे 100 सेंटीमीटर बन रहा है पी पॉइंट पे। क्लियर भाई? मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका 100 सेंटीमीटर है। अब इसी के तरीके से ध्यान से देखना, मान लो ये जो पॉइंट है ये क्या है? सरफेस पे, क्योंकि तुम्हें सरफेस को भी पता करना है ना। अरे हाँ जी भाई, तो तुम्हें सरफेस के लिए भी पता करना है। तो लेट से ये क्या है? पी डैश है। तो तुम्हें दो पॉइंट में पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहने वाली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जब बात निकल के आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे निकाली जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए आप लोग को एट द एंड करना क्या होगा? फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और आप लोग को वैल्यूज रखना है। तो एक काम करते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं सो दैट हम लोग चीज़ों को अच्छे से कर सकें। तो फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं एट द एंड। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो पहले में हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड 100 सेंटीमीटर दूर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब ई की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? आप बोलोगे ई विच इज इक्वल टू के पी अपॉन, समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो के पी अपॉन कितना? आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे रिस्पेक्टिव आर की वैल्यू होगी आप लोगों की ओ से लेकर पी तक की। ओ से लेकर पी तक की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर है, और मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर के अराउंड पे आप लोग का आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो आप जैसे देख रहे होंगे 500 माइक्रो कूलम है। तो माइक्रो को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 10^6 कूलम आप लोग का हो जाएगा। दोनों तीनों की वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है। तो E विच इज इक्वल टू K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10^9 इंटू K की वैल्यू हो जाएगी 500 × 10^-6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलो जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा बताओ? समझ में आया ना सबको? कन्फ्यूजन तो नहीं है? आई होप नाउ। चलो करो 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 सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, प्रिपेयर रहना हमें, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा कि भैया यार ये कैसा क्वेश्चन है, सच्ची में ऐसे एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वेल प्रिपेयर्ड रहो तो चीज़ें बनते रहेगी, अदरवाइज क्या होगा ना कि सब ऐसा लगेगा कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बन ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है भाई, लोग मेहनत करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें बनेगी। सब कुछ आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो फोकस करें किस पर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे से मेहनत कर सको, मेन मैटर तो यही करता है। बाकी सब चीज़ें तो अपनी बोलने के लिए अच्छी लगती है कि अरे भैया हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन हाँ भाई मेहनत करोगे तो चीज़ें हासिल होगी, अदरवाइज तो सब कहने की बात है। हो गया, सब लोग का आंसर आ गया? तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सब लोग आंसर कर चुके हैं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई तुम्हारी? तो मैं आप लोग को फाइनल आंसर बताता हूँ, मैच करके बताना जरा कितना आ रहा है आपका। क्या आपका 4.5 × 10^6 न्यूटन पर कूलम आंसर आ रहा है? कितनों का आ रहा है? वेरी गुड यार, अगर आपका आंसर इतना आ रहा है तो बेशक आप लोगों ने एकदम बिल्कुल सही सटीक आंसर करे हो। ठीक है भाई लोग, इतना आंसर अगर आप लोग का आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका सेकंड फॉर्म कर लेते हैं जल्दी से। तो पहले मैं इसको ज़रा छुपा लेता हूँ, तो मतलब छोटा कर देता हूँ क्योंकि जगह बहुत सारी ले लिया है इसने।
तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया है ना। अब इसी में हम लोग ना सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर पे तुम्हें पता करना है वैल्यू। देखो फॉर्मूला तो तुम्हारा वही लगेगा एट द एंड, है ना, लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू वगैरह चेंज हो जाएगी। तो जैसे आर की वैल्यू सरफेस पे कितनी है, देखो क्वेश्चन ने आपको क्या कहा कि एक होलो मेटालिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 60 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा पूरा 60 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ हाफ कितना होगा, आप बोलोगे भैया 30 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर के आसपास आप लोग का ये आर की वैल्यू आ रही है। समझ में आ रहा है ना, अरे चीज़ें क्लियर हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना क्यू की वैल्यू कितनी है। क्यू की वैल्यू अगर तुम लोग देखो तो वो है 500 × 10⁻¹। देखो सेम ही रहेगा, चार्ज की वैल्यू से तो डिफर नहीं कर सकते, आप लोग परेशान ना हो। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आप लोग का 9 × 10⁻¹ इंटू क्यू की वैल्यू 500 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.3 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज रखें, जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं आंसर कितना आ रहा है आपको। जल्दी करो दोस्तों, जल्दी करो, कितना आंसर आ रहा है बताइए। करके बताओ जरा ना, सारे काम मैं ही करूँ वाली बात हो जाएगी। चलिए करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम लोग को स्पेसिफिक यूनिट भी रखना ज़रूरी है, यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना यूनिट रखे तुम लोग अगर सॉल्व करोगे किसी भी चीज़ों को तो तुम्हारे ना नंबर कट सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो बेटर है कि आप लोग अपनी यूनिट वगैरह को पहले से रख के चलें, ठीक है दोस्तों, गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया सबका, सबका डन डना डन डन, अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया, तो चेक कर लेते हैं आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। तो अगर आप लोग का आंसर आ रहा है 5 × 10⁻¹, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करे हो, ठीक है। तो अगर आप में से किसी का भी आंसर ये आ रहा है ना, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही सटीक आंसर करे हो, डोंट वरी, ठीक है भाई। तो चेक करके मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोग का आंसर यही था, और होप सो आप लोग का आंसर भी यही आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो भैया कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये लगभग तुम्हारे ना मेनली यार 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कर पाएंगे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग कोशिश करो, कि करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सो जैसे तुम देख रहे होंगे ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे एनालाइज करके चेक कर सकते हो हम लोगों ने क्या चीज़ें सही करें। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फीयर एज द स्फेरिकल सिमेट्री, देयर फोर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिहेव एज द एक्सटर्नल पॉइंट, आर की वैल्यू ने 100। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो क्या इतना ही आंसर आया आप लोग का पहले वाली, यस सर। सेकेंड वाली की बात करी जाए तो बिल्कुल भाई, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग, आगे बढ़े। चलो तो अगली बात करते हैं, लेट से ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस ऑफ 16 × 10⁻¹ गुलाम एंड −16 × 10⁻¹ कूलम सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, और आप लोग को डिस्टेंस भी गिवन है मीटर में। द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू भी आप लोग को गिवन है। देखो भाई कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ये चार्ज की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, क्लियर भाई, डिस्टेंस गिवन है तुम्हारे को, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू ऐसा कह रहा है क्वेश्चन की आप लोग को स्पेसिफिकली यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। अब चलिए काम करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब क्या पी की वैल्यू पता करना है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। तो चलिए भाई पहले तो गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं फटाफट। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास ना सबसे पहली चीज़ चार्जेस की वैल्यू गिवन है। देखो मतलब इस तरीके से एक डायपोल है आपका, क्लियर भाई लोग। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक डायपोल है इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों जो सेपरेटेड है, अब जानते होंगे डायपोल टू लेंथ या टू एल से सेपरेटेड रहता है, हाँ है ना, और उसकी वैल्यू आप लोग को ये दी है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो ये कितना हो गया 16 × 10⁻¹ कूलम, ये भी 16 × 10⁻¹ कूलम, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में आप लोग के लिए, क्लियर है भाई। मान लो ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और कुछ भी नहीं। अब चलिए मुझे अगर कोई कहता है कि भैया बताइए ज़रा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, तो बेसिक सी बात है मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा, वो हो जाएगा पी विच इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। अब क्यू की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे भैया, वो है 16.10⁻¹। अब देखो दोनों में से कोई भी ले लो उससे उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है भाई। अब ये चीज़ हो गई इंटू टू एल की वैल्यू कितनी है, तो याद रखना टू एल की पूरी पूरी वैल्यू ही है। काफ़ी सारे लोग जज्बात में बह सकते हैं और हो सकता है उनसे गलतियाँ हो जाएँ, उनको ये लगे कि यार ये जो 3.9 × 10⁻²⁻¹
12 लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकली एल की वैल्यू है, याद रखना ये एल की वैल्यू नहीं है, गलती मत करना, समझ रहे हो ना। ये छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है तुम लोग को, तो प्लीज़ ये वाली गलती नहीं करें। अब ध्यान से देखना 12 की वैल्यू कितनी है, तो 12 की वैल्यू आप लोगों की बने 3.9 × 10⁻¹² मीटर। अब जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ ज़रा पी की वैल्यू कितनी आ रही है। सभी लोग फटाफट पी की वैल्यू निकालें। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलॉम और उसकी मीटर। चलो करो, सेंटीमीटर नहीं है भाई, कूलॉम मीटर है। चलो करो ज़रा जल्दी जल्दी करो, इत्मीनान से करो, लेकिन गलत मत करना, बस मेरा ये है कि गलत ना करें, गलत के चक्कर में सब खराब हो जाता है। हो जाए तो बता देना। डन सबका हो गया? कर रहे हो? करो। तो चलो भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर आपका आंसर आ रहा है एक सेकंड, तो इसका आंसर आप लोग एक बार चेक कर लो। पी की वैल्यू अगर आपकी आ रही है 6.24 × 10⁻³० के आसपास अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही करे हो आप लोगों ने, कोई गलती नहीं है। समझ में आया? किसी भी टाइप की कोई गलती नहीं है। तो क्या आप लोग का पी की वैल्यू इतनी आ रही है? होप सो इतने ही आ रहा होगा। तो चलिए भाई, तो एक सेकंड ज़रा मैं इसको जगह बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी हो गई है। लीजिए भाई, डाए रीसाइज कर लेते हैं इसको भी। हाँ जी भाई, तो ये रही आप लोग की पी की वैल्यू। होप सो तुम लोग को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? अब देखो, तुम्हें क्या निकालना था इसके अलावा? इसके अलावा तुम्हें एक और चीज़ कैलकुलेट करना है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, अब सोचो ज़रा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए तुम लोग कौन से फॉर्मूले को यूज़ करोगे? सोच के देखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल के लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, ये तो पहली चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के लिए माइनस पी ई, और ये पी डॉट ई होता है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है बोलेंगे कि भैया ठीक है, पी की वैल्यू है मान लिए, ये रही पी की वैल्यू जो गिवन है, भैया ई की वैल्यू मान लिए ये रही क्वेश्चन में गिवन है, भैया ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो, क्वेश्चन ने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। शायद आप लोग को याद होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती थी। मान लो ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रही है सबको? ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें अगर किसी डायपोल को आप लोगों ने कुछ इस तरीके से प्लेस्ड कर दिए कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये 0 डिग्री है, क्लियर है भाई? और एक और कंडीशन बन सकती है, वो है इसके अपोजिट वाली, कि मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर भाई, और ये जो डायपोल पहले रखा था मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो क्या ये ऐसा अपोजिट हो जाएगा? अरे 180 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे जब 0 डिग्री का केस बन रहा है, ध्यान से समझना, पी की वैल्यू किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मैं कह सकता हूँ पी जो है पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल है। साथ ही साथ थीटा की वैल्यू कितनी बन रही? 0 डिग्री बन रही, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। ये क्या है? पी, पी की वैल्यू इस तरफ है, ध्यान देना, है ना? तो पी पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में, क्लियर भाई लोग? साथ ही साथ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, और ये केस को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर भाई? तो ये केस को क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो क्वेश्चन ने आपको एक चीज़ बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरा आंसर करना सभी लोग। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो आप लोग की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जल्दी बोलो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो आप लोग के लिए वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बहुत बढ़िया, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी कैपिटल ई कॉस 0। अब कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो पी हो जाएगा, वैल्यू रख दो दोनों पी की, तो माइनस ऑफ 6.24 × 10⁻³⁰ × 10⁻⁵ की वैल्यू गिवन है। तो यू की वैल्यू बताना जरा कितना आएगा तुम्हारा? -6.25 × अब देखो,
पावर है एड ऑन हो जाएंगे, -30 +5 कितना हो जाएगा आप लोग का 10 रेस टू द पावर आप लोग का हो जाएगा -25। और ये एनर्जी है तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दी हुई तो जूल आप लोग का यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ गए ना, चीजें क्लियर है? क्लियर है ना भाई लोग, कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप ना हो तो अच्छी बात है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, तो एकदम सही सटीक आंसर तुम लोगों ने कर लियो। या जिन लोगों ने नहीं लिख पाया यार, पहले लिख लो जल्दी 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 कर लो, जितने लोगों ने नहीं लिख पाया वो लोग लिख लें, जितने लोगों ने नहीं लिख पाए वो लोग लिख लो भाई लोग, जल्दी जल्दी करो, हो जाए तो बताओ। डन, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो जो इसका आंसर आप लोग का रहेगा वो रहेगा ये। क्लियर भाई लोग, हो गया? डन, समझ में आया कि नहीं? हाँ क्या ना, प्रॉमिस, उल्लू तो नहीं बना रहे हो कि भैया हमें तो समझ में ही नहीं आया, हमारे तो सर के ऊपर से ही चला गया। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने सही करे थे। हमारी वैल्यू क्या इतनी आई है सब लोगों की, चेक करो भाई, और ये वाली वैल्यू इतनी आई है, देखो भाई सेम फॉर्मूले वगैरह वैसी चीज़ें लगी है और कुछ भी नहीं। चलो भाई, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, और चार्जेस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, ये सेपरेटेड है एक डिस्टेंस है। क्लियर है भाई? ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ओहो, जो कि 10 सेंटीमीटर आप लोग को देखने को मिलेगी। मतलब क्या, इसके लिए आप लोग को याद होगा एक्सियल इक्विटोरियल वाला केस था, याद है? मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, इससे आप लोग पी पॉइंट पे एक्सियल की वैल्यू निकालते थे और ये होती थी एक्स की वैल्यू। क्लियर भाई लोग? तो यहाँ पे भी ना आप लोग को कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन ने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो चार्जेस हैं इनकी वैल्यूज तो आप लोग को गिवन है, Q1 और Q2 की वैल्यू, साथ ही साथ डिस्टेंस सेपरेटेड। मतलब क्या, क्या ये एल की वैल्यू है? सोच के देखो, नहीं, ये टोटल 2L की वैल्यू आप लोग को गिवन है 1 सेंटीमीटर। क्लियर भाई लोग? इसके साथ साथ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। मतलब क्या, डाइपोल के मिड पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आप लोग को गिवन है। तो एक काम करता हूँ, साफ सुथरा कर लेता हूँ पहले, साफ सफाई कर दी जाए ज़रा फटाफट। तो क्लीन श्लीन कर लिया गया है जैसे आप देख रहे होंगे। हाँ जी, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चीज़ें कर लेता हूँ। ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भाई? और इसके पी पॉइंट पे तुम्हें वैल्यू पता करना, ये रही एल वैल्यू, ये रही एल वैल्यू। अब ये जो एल एल कितना है, ये गया तेल लेने, 2L की वैल्यू कितनी है, ये है 1 सेंटीमीटर। क्लियर भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका 10 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? बोलिए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलोगे नहीं है भैया। चलो भाई, अरे यार हर चीज़ में हाँ मत कर लिया करो, नहीं समझ में आया तो पूछ लिए, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अब देखो, डाइपोल वाले के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है K(2)P/(x)3, या और करके चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, E(1)(4π)ε(0)(2π)x³। सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी (2)P की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो, ये तो तुम्हें थोड़ा लॉजिक से निकालना पड़ेगा, कैसे? अब जानते हो P क्या होता है, P होता है Q(2L), तो P(Q) की वैल्यू कितनी, 20 × μC है, इसलिए 10^6। देखो 20 डायरेक्टली मत रख लेना जज्बात में बहकर, आप लोग कोई प्रॉपर वैल्यू रखनी पड़ेगी। 2L की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ रही बताओ जरा, ये वैल्यू आप लोग की क्या होगी? डन। हाँ जी, तो मान लो ये आप लोग का हो गया कितना, 20 × 10^-, माइनस माइनस आप लोग का एड ऑन हो जाएगी चीज़ें, और कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू 8 हो गई, कूलॉम मीटर। आपको इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 20 × 10^-8। क्लियर भाई? इसके अलावा डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स की तो क्या ही वैल्यू होगी भैया। चलो भाई, तो ये रही आपकी एक्स की वैल्यू, करिए, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगेगा दोस्त, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यही वाली वैल्यू लगेगी। ठीक है,
हाँ जी, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है? सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, सच्ची में नहीं लगेगा। क्यों लगेगा सोच के देखो एक बार तुम लोग, क्यों लगेगा? लग ही नहीं सकता ना यार फाइलों का, अगर वो लग रहा है मतलब कि चीज़ें पूरी आगे पीछे हेर फेर हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, तो बताओ कितना आंसर आया। तो ई की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है सॉल्व करके? अगर तुम्हारी वैल्यू आ रही है कुछ इतनी, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही करे हो आंसर, ठीक है? अगर तुम सबका आंसर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही करे हो। क्लियर है भाई लोग, समझ में आई चीज़ें? चलो बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आने से पहले एक बार आंसर एनालाइज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा हमने भी फॉर्मूला यही रखे, पी की वैल्यू ये आई, हमारी ये आई, इन्हें मतलब देखो हम लोगों ने अगर चाहते तो एक जीरो इधर ले लेते, तो 10^7 हो जाता, बात एक ही है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, एक्स की वैल्यू जानते हैं, सारी वैल्यू सेम है और कुछ भी नहीं है। क्लियर भाई लोग, बहन लोग भी, ठीक है, डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कंसिस्टिंग द टू चार्जेस जिसके डिस्टेंस आप लोग को गिवन है। क्लियर भाई, मतलब क्या एक्चुअल में ना, देखो समझने की कोशिश करो, देखो दो चार्जेस है इसने कहा, ये रहा एक चार्ज, ये रहा एक चार्ज, ये रहा राइट से नेगेटिव, ये राइट से पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना इसलिए। तो 2 माइक्रो कूलम ये हो गया, 2 माइक्रो कूलम ये हो गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक के 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या एट द एंड 2L की वैल्यू है, 2L की वैल्यू। क्लियर भाई, अब क्वेश्चन है कहा कंसिस्टिंग चार्जेस एट द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर ये एक्सियल होता तो यहाँ से होता यहाँ तक के मान लो 50 सेंटीमीटर, तब सोच के देखो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो पाता। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर दोनों चार्ज से डिस्टेंस, इससे भी 50, इससे भी, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब हो सकता है जब चार्ज यहाँ हो, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर, यहाँ से 50 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ ये रहा पी पॉइंट, ठीक है, ये रहा 50 सेंटीमीटर, ये रहा 50 सेंटीमीटर, और ये रही बीच की डिस्टेंस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये रहा आप लोग का पूरा डायग्राम। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान देना अच्छे से। इसको मैंने लेट से इधर कर दिया, ठीक है, तो ये रहा आप लोग का डायग्राम जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे। अब तुम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो यार भाई, यहाँ पे अगर तुम चाहो तो एट दी एंड ना तुम्हें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। क्या चीज़? देखो एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है क्या? नहीं पता ना, तो तुम लोग पाइथागोरस से ये वैल्यू निकाल लो। 50 इधर ले लिए, 5 इधर ले लिए, एक्स इधर ले लिए, जिसके थ्रू तुम्हारा ये निकल जाएगा। एक्स निकालना इसलिए भी ज़रूरी हो सकता है, मेनली ज़रूरी क्या हो सकता है यार, हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अगर हम चाहें तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के रख सकते हैं, मतलब क्या हमारा के पी अपॉन एक्स की पावर 3। क्लियर है भाई, ये भी रख सकते हैं, इसमें आप एक्स की वैल्यू रखो, पी की वैल्यू रखो। पी की वैल्यू कैसे बनेगी आप सभी लोग को पता है यार, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पी विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 2L, तो पी विच इज़ इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2×10^-6×2L, मतलब कितना 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो आप लोग, आपका यहाँ से ये हो जाएगा। क्लियर भाई लोग, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, बताओ कितना आ रहा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। अब हुए सही, सेंटीमीटर नहीं, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, कूलॉम मीटर है। कई लोग उसको जज्बात में बहकर ऐसे मत लिखना, गलत है, ऐसे लिखना है। क्लियर है, ये चाहो तो बीच में डैश दे दो, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। डैश मतलब किस तरीके से, इस तरीके से अगर तुम लोग कर दोगे ना तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा ऑप्शन। तो चलो भाई यहाँ तक ये क्लियर है सबको? हाँ जी। अब आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग कि भैया हमको ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। अरे भाई बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो, तुम्हारी मर्जी, दो तुम्हें रखना है ये वाला लगा लो, के पी अपॉन चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, हाँ एल मतलब ये, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक ये क्लियर है? हाँ जी। का स्क्वायर की पावर 3/2,
तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो बेहतर है। इससे अच्छा तुम लोग बेसिक वाला फॉर्मूला रखो, करो ज़रा जल्दी से। तुम्हारा क्लास वर्क है भाई, या अब हर चीज़ भैया बताएंगे तो कैसे चलेगा, और करो ज़रा जल्दी ले करो। अरे इसका पाइथागोरस से निकाल लो, मान लो ये हो गया आप लोग का एंगल, ये बन रहा है क्लियर भाई, हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। यहाँ से ज़रा एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा सबका वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना। जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारी एक्स की वैल्यू, डन। चलो बहुत बढ़िया, सारी वैल्यूज रखो ज़रा, 9 × 10⁻⁹ इंटू पी की वैल्यू जो तुम्हारी यहाँ से आई है ये वाले फॉर्मूले की, अपॉन एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आई है उसको रखो की पावर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है ठीक है, न्यूटन मीटर। करो भाई ज़रा जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई, है ना। अब लेट हो रहे क्योंकि हम जल्दी करो, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का। कितना आ रहा है सबका, सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अगर सबका आंसर आ रहा है लेट से इतना कुछ, मतलब कितना 1.4 × 10⁴, तो बिल्कुल सही करे हो तुम लोगों ने आंसर, ठीक है ना। अगर तुम्हारा आंसर इतना आ रहा है तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करे हो, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम लोग का आंसर गलत है, ठीक है, बिल्कुल सटीक 2000% सही आंसर करे हो। क्लियर भाई लोग, कितने लोगों ने कर ली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं, आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डन ना, चलो तो आगे बढ़ने से पहले एक बार एनालाइज कर लेते हैं, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। तो जैसे तुम लोग देख रहे होंगे ये फॉर्मूला लगा दो या सिंपल फॉर्मूला लगा लो, भाई सिंपल लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बड़ा वाला फॉर्मूला रखकर कोई मतलब नहीं है, टाइम पास हो जाएगा ज़्यादा तुम्हारा। ये वैल्यूज़ रखो और तुम्हारा फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू निकालो, ठीक है, इतना ही आया तुम्हारा भी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, कि अब पॉइंट चार्ज, स्पेसिफिकली चार्ज की वैल्यू आप लोग को बता दी गई है कितनी है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू सो मच क्यू की वैल्यू बताने के लिए। तो अ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉजिटिव 10⁻⁷ कूलॉम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। मतलब क्या है, मान लो ये क्यूब है, वाह क्या क्यूब बनाते हो भैया, इतना वाहियात सा क्यूब, एक सेंस आप कर लेता हूँ, डा 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 डा। अरे वाह क्या बात है, तो क्यूब बन गया है यहाँ पे हमारा, तो लीजिए भाई, तो ये रहा हमारा क्यूब जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा। अब इस क्यूब के बीचों बीच ना एक चार्ज है, क्लियर है भाई, ये है 10⁻⁻⁴ क्यू की वैल्यू इतनी, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है फ्लक्स कितना निकल रहा है सरफेस ऑफ द क्यूब से, मतलब मान लो ये एक लेट से एक सरफेस ले लेता है, ये वाला सरफेस मान लेते हैं हम लोग, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, लेट्स से एक सेकेंड, हाँ जी भाई, तो लेट्स से हम लोग ये वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताना, सरफेस से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से जाएगी, आप बोलोगे हाँ भैया। अगर मैं कहता हूँ कि सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप क्या कहोगे इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप बोलोगे भैया इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा dA, हाँ है ना। आप जानते हो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या होता है, फाई विच इज़ इक्वल टू होता है लेट से आपका ई विच इज़ इक्वल टू ई डी ए, आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल होता है। अब मुझे एक बात बताना, ये डॉट प्रोडक्ट में रहता है, आप बोलोगे यस भैया बिल्कुल, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ई डी ए कॉस थीटा आएगी। अभी थीटा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वैक्टर पर, तो एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो फाई विच इज़ इक्वल टू कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्लियर है भाई। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ
EDA, क्लियर भाई? हाँ है ना। अब देखो ये तो मेरे ख्याल से तुम लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें तो कोई मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई मेजर इशू आया होगा, क्लियर भाई? अब बात निकल के आती है कि यहाँ पे ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, उसको भी हम लोग को रखना पड़ेगा ना, और एरिया की वैल्यू रखेंगे। तो ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया, दिख रहा है सबको, फाइव इच इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का कितना, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा, ये यहाँ पे दिमाग खराब करने वाली बात है, बोलो। बहुत बढ़िया, एरिया रख दो, आंसर ला दो, हो गया सॉल्व, और क्या ही है, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो, समझ में आया कि नहीं? तो कुछ इस तरीके से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, या अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार भैया हमें ना ये ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है तो एक और तरीका बताता हूँ, डायरेक्टली तुम लोग कूलॉम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ भी रखकर कर सकते हो, ख़त्म कहानी, तुम्हारा यहाँ से भी काम बन जाएगा। जैसा तुम्हें ज़्यादा सहूलियत लगे, जैसा तुम्हें ज़्यादा बेटर लगे, तुम उस तरीके से भी उसको निकाल सकते हो। तुम Q की वैल्यू रखो, एप्साइलॉन की वैल्यू रखो, रख के देखो ज़रा Q की वैल्यू कितनी हो रही, 10^-1 एप्साइलॉन की वैल्यू, रटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करके बताओ ज़रा कितना आंसर आ रहा है, फ्लक्स, तुम्हारे फ्लक्स कितने आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं मतलब क्यूब के फ्लक्स कितने आ रहे हैं बताइए ज़रा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, जल्दी बोलो, करो करो सॉल्व करो, हो जाए तो बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं कोई जा नहीं रहा है, इत्मीनान से कर लो, ठीक है, हो गया सबका डन? अरे नहीं हुआ डन तो बोल सकते हैं भाई लोग, आप लोग तो एकदम शांति हो जाते हो, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है सबका, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक के, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, हाँ जी भाई, तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कर लिए, तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1.3 × 10^-2 पॉजिटिव। क्या इतना ही आंसर आ रहा है आपका भी? तो अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो बिल्कुल सही करे हो भाई लोग, बहुत बढ़िया, मुबारक हो आप, जो आपने आंसर निकाले हो बिल्कुल सही है भाई आप लोग का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है भाई लोग, कन्फ्यूजन क्लियर, दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, अब एक बार देख लेते हैं क्या ये आपका भी आंसर सेम रहा। हाँ जी भाई ये भी सेम ही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, अ थिन वॉल कॉपर पाइप, एक सेकंड, हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है अ थिन वॉल कॉपर पाइप जिसकी लेंथ आप लोग को गिवन है स्पेसिफिकली, अच्छा जी ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए, और साथ ही साथ डायमीटर भी आप लोग को गिवन है, नेट चार्जेस इसके अंदर इतना है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, है ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको स्पेसिफिकली बताना। अब पाइप एक किस्म से किस तरीके से होता है, पाइप एक किस्म से लीनियर टाइप का ही होता है, पाइप एक किस्म से लीनियर टाइप का है, उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एट द एंड, किस फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू की वैल्यू कितनी है, वो है 5.8 × 10^-6 कूलॉम, क्लियर है भाई? आपको पाइप की लेंथ पता है, हाँ जी भैया पता है 3 मीटर, तो ये रही पाइप की लेंथ यहाँ तक। डायमीटर आप लोग को पता होगा, पाइप है तो भैया डायमीटर तो होगा 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। अब हमको निकालना है इसकी वैल्यू कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से होने वाली है, कैसे पता कर सकते हैं सोच के देखना एक बार, इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, लैम्डा विच इज इक्वल टू, सॉरी लैम्डा वाला फॉर्मूला नहीं था क्या, ई विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π आर एप्साइलॉन नॉट, कितनों को याद है, याद आया, आया 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 कि नहीं, तो अच्छे से याद करना, क्या यही फॉर्मूला था आप लोग का, हाँ बोलोगे हाँ भैया, ये कहाँ का था, गॉस लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें सारी वैल्यूज रख दो ज़रा, ई विच इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कैसे निकाले होंगे, किसी को आइडिया, नहीं भैया हमको आइडिया ही नहीं, अच्छा जी ठीक है, हमारे पास तो वोडाफोन है, बहुत ही लेम जोक, लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल हो जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ कस्टमाइज़ करो ज़रा, क्यू अपॉन 2π r एप्साइलॉन नॉट एल, अब सारी वैल्यूज़ है आपके पास, रखो ज़रा, ई विच इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू
5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, तो आर की वैल्यू तुमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, रेडियस कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो आर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, एक सेकेंड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तुम्हें मतलब क्या स्पेसिफिकली इस पर निकालना है, तो मतलब कितना होगा 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू आप लोग का हो जाएगा यहाँ से 3 मीटर। करो सॉल्व सब कुछ जल्दी करो, वो तो उसे उल्लू बनाने के लिए दे दिया आया ना, यहाँ पे आर कोई रेडियस थोड़ी ना थी, अच्छे से याद करना ज़रा। बहुत बढ़िया, चलो करो ज़रा फटाफट करो। अरे आर मतलब क्या, डिस्टेंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तुम्हें पता कहाँ से करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इस तरीके से मान लो ये यहाँ पे डिस्टेंस, क्लियर है भाई ऐसा। चलो सॉल्व करो ज़रा जल्दी जल्दी, बताओ ज़रा ई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, कितना न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ रहा है, जल्दी से मेरे को बताएंगे, वेट कर रहा हूँ मैं आप लोग का। करो इत्मीनान से करो भाई लोग, लेकिन जल्दी करें, इत्मीनान से भी करो जल्दी से भी करो, आपका तो सही है भैया, कितने सही इंसान हो आप तो। हो गया, बहुत बढ़िया, कितना आंसर आया, तो आई होप आप लोग का जो आंसर आया होगा वो आया होगा 4.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। क्या इतना ही आंसर आया है सबका, क्या सभी लोगों का इतना ही आंसर निकल के आया है? हाँ जी भाई, तो अगर आपका भी इतना ही आंसर आया तो बिल्कुल सही करे हो, ठीक है। अब आज गया गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं क्या, गॉस लॉ के ऊपर ना क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना, कई बार क्या होता है डायरेक्टली आपका डेरिवेशन आ सकता है मेनली, और कई बार क्या होता है ना पिद्दू वाले न्यूमेरिकल आ जाते, मान लो 3 नंबर का डेरिवेशन आया, ये चलो 3 नंबर का तो नहीं, तुम लोग रोने लग जाओगे कि अरे यार भैया इतना पढ़ रहे थे और 3 नंबर के लिए, मान लो 5 नंबर का डेरिवेशन आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ इसको साइड में करता हूँ, हाँ जी मान लो 5 नंबर का डेरिवेशन आ रहा है, 5 मार्क्स का डेरिवेशन आ रहा है, तो 3 नंबर का डेरिवेशन हो गया, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि 5 नंबर का डेरिवेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लगा पहला पढ़ के अरे पूरा डेरिवेशन, नहीं कभी नहीं होता पूरा 5 नंबर का, तो आएगा भी नहीं, तो 5 नंबर का आपका बेसिकली उस डेरिवेशन का डिराइव करने का क्वेश्चन रहेगा और उस डेरिवेशन से न्यूमेरिकल रहेगा, तो हो सकता है 2 नंबर का न्यूमेरिकल दे दे, ठीक है, या हो सकता है स्टेबल अनस्टेबल वाला आपका केस पूछ ले, तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल 1 नंबर का स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनता है और डेरिवेशन पूछ ले, तो इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, ठीक है भाई लोग, कुछ कन्फ्यूजन किसी भी टाइप का नहीं, तो फिर बढ़े आगे के था, चलो तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा आप लोग का आंसर, जैसे आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये रही की वैल्यू है ना, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का ये, इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ इतना एट द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई टफ क्वेश्चन है, एट द एंड तुम्हारे पास देखो चार्ज की वैल्यू गिवन है, हाँ जी भैया गिवन है चार्ज की वैल्यू, सोचो अरे हाँ पे हाँ हमेशा मत मिलाओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, देखो तो बेसिकली ई की वैल्यू तुम्हें गिवन है 9 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर, बहुत बढ़िया, कहाँ पे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू जो दी है आप लोग को वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लो इसको, हाँ या ना, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है क्या, नहीं चार्ज की डेंसिटी निकालना, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालना, कैसे निकाल सकते हैं, एट द एंड देखो तुम्हारे पास दो ही फॉर्मूले, लैम्डा विच इज इक्वल टू क्यू बाय एल कर लो, या फिर इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू निकाल लो, कौन सा लगाओगे बताओ जरा, फर्स्ट वाला है सेकेंड वाला, फर्स्ट की वैल्यू रखोगे या सेकेंड की वैल्यू रखोगे बोलो जरा, कहाँ की रखोगे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, फर्स्ट या फिर सेकंड,
भैया फर्स्ट रख, फर्स्ट कैसे रख लोगे बताओ, तो 400 लेंथ भी नहीं है। सेकेंड ही रखोगे ना भाई, तुम्हारे पास वैल्यूज वहीं से निकल सकती है ना। हाँ जी, तो हम लोग क्या करेंगे एट द एंड, चलो भाई तो ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना ठीक है भाई लोग। तो ध्यान से देखो अब ठीक है, तो जैसे तुम लोग देख पा रहे होंगे ई विच इज इक्वल टू है तुम्हारा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइलॉन नॉट आर। लैम्डा की वैल्यू निकालना है और करके लैम्डा विच इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा कितना, ई इंटू 2 पाई इंटू एप्साइलॉन नॉट आर। क्लियर है भाई, वैल्यूज रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, हाँ जी 2 पाई की वैल्यू, ठीक है भैया। एप्साइलॉन नॉट की वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, मैं हमेशा से समझा रहा हूँ, एग्जाम में पूछेंगे 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 पूछेंगे। लेकिन भैया बहुत बड़ा कैलकुलेशन, तो अगर लगता है तुम्हें कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा था, एक काम करो ना, इस फॉर्मूले को कस्टमाइज कर लो। कैसे बताओ, देखो ये जो फॉर्म है ना तुम्हारा कहाँ गया, ये वाला जो फॉर्म था इस पर क्या करो, 2 का इंटू 2 से डिवाइड मार दो, करके देखो तो एक बार 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा ई विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4, 2 2 4 हो जाएगा 2 4 पाई एप्साइलॉन नॉट, आया ना इंटू आर, समझ में आया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ऊपर हो गया 2 लैम्डा अपॉन ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, के बन जाएगी, तो मैं ऐसा रख दूँ उसको 2 लैम्डा के अपॉन आर। अब इजी हो गया थोड़ा, तो कितना होगा लैम्डा विच इज इक्वल टू हो जाएगा आर के साथ चल जाएगा ई, अपॉन में आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा और के आ जाएगा, आया ना ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, सारी वैल्यूज रखो आंसर ला लो खत्म कहानी। ऐसे करके भी तुम लोग निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, तुमको जितना इजी बनाना है। के की वैल्यू डायरेक्टली अब 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, तो फटाफट आंसर सॉल्व होता है। इससे क्या है ना कि तुम्हारा लंबा चौड़ा नहीं काम बनने वाला है, ठीक है। तो देखो एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ जी भाई तो ध्यान से देखना। तो जैसे आप देख रहे होंगे लैम्डा विच इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁴ हो गया, क्लियर भाई। आर की वैल्यू कितनी, वो भाई 2 × 10⁻² हो गया, क्लियर भाई। डिवाइडेड बाय 2 × 9 × 10⁻⁹, सॉल्व करो आंसर लाओ। देखो कभी कभी हमें ऐसे करके ना चालाकी से भी आंसर लाना पड़ता है जल्दी से, ठीक है ना, सो दैट हम ना ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो सके। अदरवाइज कन्फ्यूजन होने के लिए तो भाई हमारे पास 500 चीज़ है जिससे हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैं वही आप लोग से समझाना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोड ना ले, आराम से चीज़ें बनेगी, बस फोकस करें आप लोग और कुछ नहीं, ठीक है। कितना हो रहा है, अरे सॉल्व करो कितना आंसर आया, कितना आया, वेरी गुड यार। तो क्या आप लोग का आंसर लैम्डा की वैल्यू आ रही है कुछ इतनी, अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपने सही करे हो। अरे 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, बस अब ये इन्हीं का तो खेल बचा है, ये -2 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, इतना ही तो आएगा ना आंसर, आया ना, तो वेरी गुड है। एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं, तो जैसे आप देख रहे होंगे जो आपका आंसर है कुछ इतना आप लोग का देखने को मिल रहा है, और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालना था, क्लियर है दोस्तों, समझ में आया क्या समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, चलो भाई अच्छी बात है समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जैसे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अ फ्लैट स्क्वायर शीट ऑफ चार्ज 50 सेंटीमीटर कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, एन इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन पॉइंट नियर टू द सेंटर ऑफ द शीट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स डायरेक्ट अवे फ्रॉम द शीट, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑफ द शीट। शीट शीट कर रहा है, शीट का तो एक ही फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, वो होता है ई विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलॉन नॉट। कितनों को याद है, इसमें हम लोग सिग्मा की वैल्यू रख दे तो लेट्स सी हो जाएगा आप लोग का क्यू अपॉन 2 एप्साइलॉन नॉट ए, क्या इतना ही हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो ई का फॉर्म ये बन गया, हमें क्या निकालना है टोटल चार्ज की वैल्यू निकालना है शीट पे कितनी है, क्लियर भाई लोग। कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स सोर्स गिवन है, कैसे निकाला जाएगा ये बड़ा दिक्कत वाली बात लग रही है, क्यू की वैल्यू निकालना है एट दी एंड। सोच के देखो, देखो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, लाइक तुम्हारे पास रिस्पेक्टिवली ए की वैल्यू पता है क्या, आप निकाल सकते हो उसको साइड्स के थ्रू, है ना, स्क्वायर है इस वजह से उसका स्क्वायर करके निकाल लोगे,
साथ ही साथ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसके अलावा तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, कैसे करोगे? सोचो सोचो भाई सोच के देखें। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप लोग का फोर्स, फोर्स विच इज इक्वल टू कितना होता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा। हाँ भैया, तो एफ विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, देखो ई तो उतना का उतना, ई की वैल्यू रख दो तो क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। क्या इतना होगा? आप बोलोगे हाँ भैया बेशक यही होगा। अब देखो यहाँ से क्या क्यों क्यू निकाला जा सकता है, हाँ भाई टू एप्सिलॉन नॉट ए एफ अपॉन नेगेटिव ऑफ अपॉन में ई, सारी वैल्यू रखे फटाफट आंसर लगाए, जल्दी जल्दी करो जरा फटाफट, है ना, चार्ज की वैल्यू बताओ। अरे यार तुम लोग यार कंजूसी पना करा देते हो, मेरे को मैं कर देता हूँ। तो जैसे तुम एक देख रहे हो ना, टू इन टू एप्साइलॉन नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, है ना, 8.84 के आसपास आप लोग का हो जाएगा यहाँ से। एक सेकेंड, हाँ जी क्लास के बीच में सबको फ़ोन लगाना रहता है। ये हो गया इनटू ए की वैल्यू रख दो भाई, तो वो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए का ए का स्क्वायर ही होता है ना, इनटू फोर्स गिवन है आप लोग को, हाँ भैया फोर्स गिवन है, अपॉन ई की वैल्यू रख दो। तो सारी चीज़ें तुम लोगों ने यहाँ से रख दी है, अब तो सॉल्व करके बताओ सर आंसर कितना आने वाला है, जल्दी करके बताएं सर आंसर कितना आ रहा है आप लोग का। तो चलो भाई सॉल्व करें सब लोगों ने। तो देखो अगर आप लोग का जो भी आंसर आ रहा होगा वो अगर आ रहा होगा इतना, तो बिल्कुल सही करे हो, ठीक है। तो ये मेन चीज़ था तुम्हारा, इस पर फोकस ध्यान दे अच्छे से, और होप सो तुम लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ तक के था हमारे आज की इस क्वेश्चन की सीरीज़, आई होप तुम लोगों ने इन्जॉय करे होंगे, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को कोई और दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए भाई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का, वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आ रही आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।